कंजुगेट करते हैं, तो कुल मिला के अल्टीमेटली कैसे वो अपना यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो चीज़ें हैं वो चालू करते हैं। तो अभी मैं एंट्री 257 चालू कर रहा हूँ, BBSC यहीं से चालू होता है। इसके पीछे एक लेक्चर हुआ जिसमें संथाल और गुंडा रिवॉल्ट का हुआ जो लास्ट लेक्चर मैं दिन का, तो वो मैं रिविजन कराते टाइम दे दूँगा, उसमें ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। संथाल गुंडा रिवॉल्ट जो होता है BBSC में कागज से पूछा जाता है। बाकी आज से मान के चलिए दिस इज द प्योर BBSC क्लास। एक्चुअली ये UPSC और BBSC इंटीग्रेटेड है, ये जो टॉपिक है ये दोनों में आता है। तो जो बाकी लोग पढ़ चुके हैं पहले उनका ठीक है, जो अभी से हैं उनको मैं बस इतना बता रहा हूँ कि छूटा नहीं है आपका, एक बस आपका ट्राइबल रिवॉर्ड छूटा है, वो मैं मैटर दे दूंगा आपको, पढ़ लीजिएगा, कुछ बाकी जो होगा मैं उसको भी एक क्लास दे दूंगा, ठीक नया लोग ठीक है ना, ओके सब लोग। तो हाँ एक चीज़ बता रहा हूँ कि 57 के रिवॉर्ड से पहले जो बहुत चीज़ें थी मैं क्यों बता रहा था कि वो इंपॉर्टेंट होता है, कि वो सिर्फ UPSC के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, BPSC के लिए भी है। जैसे कि इसके पीछे के रीजंस क्या थे, तो वो मैं जो पिछली क्लास में पढ़ाया हूँ कि क्या क्या लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी उनकी, बाकी उनके कैसे सब्सिडरी अलायंस और बाकी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ये सब चीज़ें थी, ये कहीं ना कहीं यही सब रीजन बनता है 1857 का। ये पहले क्लास में पढ़ाया जा चुका है, बट आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, उसी में साथ में एक्सप्लेन हो जाएगा, क्योंकि 1857 का रिवॉल्ट होता तो एक दिन है, डेट पता है किसी को 10 मई, ठीक। लेकिन वो एक दिन से पहले कई सालों का वो एक होता है ना इकट्ठा रहता है, एक होता है गुस्सा इकट्ठा रहता है और कई सेक्शन का रहता गुस्सा रहता है, किसी एक सेक्शन का नहीं रहता। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ जो सिपाही को प्रॉब्लम थी, या फिर ऐसा नहीं था कि जो राजा को प्रॉब्लम थी, राजा को, फार्मर्स को, लैंडलॉर्ड, जमींदार, इवन रिलीजियस पीपल, हर कोई परेशान था। सबके अपने अपने, वो सही थे गलत थे, वो अपने अपने ग्रीवेंसेस, जो बात अलग है, बट सबके अपने अपने ग्रीवेंसेस थे, सबका अपना अपना कष्ट था। जैसे उसमें कुछ गलत भी थे, जैसे कि सती अबॉलिशन आता है 1829 में, तो सती अबॉलिशन के अगेंस्ट कौन जाते हैं, जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स लोग रहते हैं, जो हिंदू रिलीजन के ऑर्थोडॉक्स लोग रहते हैं, वो बोलते हैं कि गलत हो रहा है। विडो रीमैरिज आता है जो ऑर्थोडॉक्स लोग रहते हैं, ये सब चीज़ें एक्चुअली में तो थी गलत, अंग्रेजों ने कुछ अच्छा किया था, बट अल्टीमेटली क्या था कि वो लोगों के लिए गलत था, वो लोग लगता था हमारा रिलीजन पर अटैक है। एक और रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850 में आता है, तो इसी के बारे में सब पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, बट मैंने जो मैनेज किया इसको पूरा। हाँ एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, किसी को हिंदी इंग्लिस मीडियम में प्रॉब्लम है, अभी जो नए लोग आए हैं ये कॉन्टेंट से, इसका मैंने हिंदी भी बनवाया है, आपको ग्रुप में मिल जाएगा आप लोगों को, बट मैं पढ़ा रहा हूँ इस इंग्लिश साइड से, कोई समस्या तो नहीं है, हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो ये एक इंट्रोडक्शन है, आप कहीं भी लगा सकते हैं, रिवॉर्ड ऑफ 1857 का है, रीजंस बिहाइंड द 1857 रिवॉर्ड, द इंडियन रिवेलियंस ऑफ 1857 आल्सो नोन एज द इंडियन म्यूटिनी और द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस किसने घोषित किया था, ये बताइए, ब्रिटिश सावरकर। ये प्रीवियस क्वेश्चन सर, ये इसमें नहीं आएगा, BPSC HTPC से पूछ सकता है। ब्रिटिश सावरकर का मान वो फर्स्ट रिकॉग्नाइज दिस वॉर एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने पहली बार बोला, उसके पहले इसको कोई इतना कंसिडर नहीं करता, मतलब था वॉज बिग रिवॉर्ड बट उसको ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। Independence was a significant uprising in India against the British colonial rule. The rebellion was a result of the various political, economic, social and religious factors. तो आप जब आंसर लिखेंगे तो ये चार फैक्टर हमेशा याद रखिएगा, political, economic, social and religious। इन चार में आपके ऑलमोस्ट सारे फैक्टर, एक बार आता है इसके बाद से सिपाही वाला आता है, जो सिपाहियों वाला होता है, उसमें भी कहीं कहीं रिलीजियस एंगल था और इकोनॉमिकल एंगल था, ठीक, और सोशल भी थोड़ा बहुत आता है उसका मैं बताऊंगा, लेकिन इकोनॉमिकल और रिलीजियस ये दो फैक्टर थे उसके पीछे, जिसमें उनको भत्ता नहीं मिलता, मतलब बाद में उनको एक अलाउंसेज वो किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, उनके जो अलाउंसेज थे बाहर जाने के जो जॉब करते थे, मान लीजिए यहाँ से है, मान लीजिए आपका पटना में कोई सिपाही है वो जाके लखनऊ में काम कर रहा है तो उसको वहाँ पर भत्ता मिलता, या फिर मान लीजिए किसी अदर स्टेट में या किसी और प्रोविंस में जाकर काम कर रहा है तो उसको अलाउंसेज मिलते थे, वो बाद में वो अलाउंसेज रिवोक कर दिए गए, तो इकोनॉमिकल रीजन हो गया। एक पोस्टल एक्ट आया था डलहौजी के टाइम पर 1855 या 56 में ही आया था, पोस्टल एक्ट आया था, तो उसमें क्या था कि जैसे लोग पहले पोस्ट ऑफिस खोलते थे, आज के डेट में आप पोस्ट ऑफिस में हो तो आपको सर्विसेज मिलते हैं, रेलवे में हो तो कुछ ना कुछ आपको पासेज मिलते हैं, तो आर्मी के जो ये ऑफिसर्स थे उन लोग को उस टाइम पर फ्री मिलता था, तो पोस्टल सर्विसेज फ्री थी कि अपने घर वालों को कुछ भेज सकते थे, लिख भेज सकते थे, बाद में उस टाइम पर चार्जेज लगा दिए गए सर ब्रिटिशर्स से, क्या किया कि भाई इतनी ज़्यादा हमारे पास सिपाही है, उनका तो ब्रिटिशर्स का एक ही मुद्दा था इकोनॉमिक, उनको लगता
हमारे लिए अच्छा खासा रिवेन्यू का माध्यम बन सकते हैं, हमारे पास हजारों की संख्या में एंसराइड, तो उन्होंने इसको चार्जेस लगा दिए, ये भी इकोनॉमिक रीजन था। दूसरा उनका भत्ता वाला था, बाकी रिलीजियस फॉर्मिंग वो जो पिग और काउ फैट का जो वो था कार्टेस था गोली में जो ऊपर लगा रहता था खींच के निकालने के लिए, तो वो एक रिलीजियस एंगल था। मुस्लिम्स को शुगर से प्रॉब्लम थी, हिंदूज को गाय से प्रॉब्लम थी, तो ये सब रिलीजियस और इकोनॉमिक हो गए, यही चार में आपके सारे आएंगे। तो इंट्रो अगर कभी भी लिखेंगे आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम एग्जैक्ट इंट्रो लिखिए, आप इसे लिख सकते हैं, लेकिन कभी आंसर लिखेगा तो दीज फोर थिंग्स शुड बी द आंसर, ये आपका पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड रिलीजियस, ये चार पॉइंट्स आपके रहेंगे, और इसी के आगे आपका पूरा का पूरा मान के चलिए जो आंसर का बॉडी होगी, बॉडी पार्ट बेस स्ट्रक्चर होगा वो इसी के बेसिस पर होगा, इन्हीं चार को आपको एक्सप्लेन करना है। सो रिलीजियस फैक्टर्स, हियर आर सम मेन रीजन, पहला है आपका इकोनॉमिक फैक्टर, मैं लिया हूँ अपने ऊपर है, आप आगे पीछे ले सकते हैं, पॉलिटिकल हो गया या फिर सोशल हो गया, मैंने इकोनॉमिक लिया क्योंकि मुझे लगा कि इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से सबसे बड़ा रीजन था। और उसका देखिए आप द ब्रिटिश हेड, अब इसमें भी अगर आपको इकोनॉमिक पे लेना है तो उसका भी एक इंट्रो लिख दिया है, द ब्रिटिश हेड इंट्रोड्यूस सेवरल इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, जमींदारी थी, रैयतवादी थी, महलवादी थी। अब जो नए लोग हैं आप लोग जमींदारी पता है, जमींदारी लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे बंगाल प्रोविंस में, ठीक, बंगाल बिहार उड़ीसा कुछ आपका बनारस का एरिया बाद में कल्चर इंट्रोड्यूस किया था, नॉट कल्चर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सब जगहों पर क्या था, जमींदारी में क्या था कि 10/11 मतलब कि जो भी रिवेन्यू जनरेट करेगा जमींदार उसका 10/11 देना था गवर्नमेंट को, जो कि 89% होता है, और 1/11 जो था वो जमींदार अपने पास रखेगा, ठीक। जो पुराने वाले उन्होंने पढ़ा है मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा बात है, ये सब परमानेंट सेटलमेंट था, मतलब कि जो ये टैक्स के रेट रेट है दे विल नेवर चेंज फॉर द होल लाइफ, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाले थे। तीसरा क्या था, जो जमींदार होते थे उनको गवर्नमेंट पता था कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको अधिकार देती थी कि आप इस एरिए में रेवेन्यू को कलेक्ट करोगे, और ये हेरिडेटरी था वो जमींदारी, हेरिडेटरी मतलब क्या होता है कि बाप से बेटे को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये साथ में ये था कि इसमें सनसेट क्लॉज था, सनसेट क्लॉज मतलब होता कि मान लीजिए आज है कितना तारीख, आज 10 अप्रैल, तो 10 अप्रैल की शाम को इस टाइम तक 5:05 तक का टाइम है, अगर ये पहले से लिखा होगा कि 10 अप्रैल को शाम को 5:05 तक आप अपना रिवेन्यू ला कर जमा कर दिए तो आप बच जाओ, वरना आपके हाथ से जमींदारी हम ऑक्शनिंग करते थे, पब्लिक ऑक्शनिंग होती थी, जो बोलेगा तुम्हें चाहिए इतने रेट पर उसको मिल जाता, ठीक। ये जमींदारी का बेसिक रीजन था। इसकी वजह से दिक्कत क्या हुआ, कॉमोडिफिकेशन ऑफ लैंड हुआ, मतलब लैंड एक कॉमोडिटी बन गई बेचने के लिए, बेचने खरीदने के लिए, ठीक। दूसरा बात है कि टैक्स इतने ज़्यादा हाई थे कि किसानों पर दबाव पड़ता था, ठीक, वो किसान या तो उधार लेके किसी से अपना चुकाते थे या फिर लास्ट में उनकी जमीन जब्ती होती थी, तो ये सब रीजन पाओगे, यही रीजन था कि कई जमींदारों के हाथ से जमींदारी चली जाती है, वो भी 1857 में आएंगे लड़ने के लिए, कई ऐसे किसान थे जो बेचारे कर्ज पर डूब चुके थे वो भी 1857 के लॉर्ड में आएंगे, तो ये उनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एक थी। देखिए तो हाई टैक्सेस, मोनोपोलीस कहाँ पर था, जहाँ उनका बिजनेसेस थे, जो ब्रिटिश बिजनेसेस थे उसमें थे, एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी ट्रेडिशनल इंडियन, जिसके हैंडीक्राफ्ट बोलते थे या फिर बेसिकली हैंडीक्राफ्ट ही था, आप उसमें सारी चीज़ें आती थी, स्टोन से लगाया था आपके, कॉटन से लगाया था, और भी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें होती थी, सिल्क होता था आपका, मसलिन बनता था, ये सब चीज़ें थी, इन सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके पीछे उसके बताऊंगा, आगे बताऊंगा कैसे डिस्ट्रॉय किया था प्रॉपर तरीके से। ये आपको इंट्रो हो गया, द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस सेवरल इकोनॉमिक पॉलिसी दैट वर डेट्रीमेंटल टू द इंडियन इंटरेस्ट सच एज द हाई टैक्सेस, मोनोपोली एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज, दीज पॉलिसीज लेड टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, जिन्होंने काफ़ी गरीबी फैला दी पूरे कंट्री में, एंड द हार्डशिप अमंग द इंडियन पॉपुलेशन, और इंडियन पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा हार्डशिप मतलब होता है झेलना, मतलब बैड टाइम टाइप की चीज़ें, मतलब हिंदी उसका यही होगा। अब आते हैं लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पर, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए इकोनॉमी ये बनाया, इकोनॉमी का इंट्रो दिया, इसमें आ गया आपका लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, इसका दूसरी पॉलिसी पर दिखाऊंगा। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू पॉलिसी कॉज द वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट अमंग द इंडियन एंड लैंड ओनर, द कंपनी डिसीजन टू रेज लैंड रेवेन्यू लेड टू हायर टैक्सेस व्हिच रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड राइज इन द पॉवर्टी, जैसे कि जमींदारी, रैयतवादी, महलवारी, ये तीन आप लिखे, अगर आपका आंसर लिखना है, आपने पहला आपको बताया था इंट्रो, उसके बाद से इकोनॉमिक फैक्टर डाला, उसमें एक इंट्रो डाल दीजिए, उसके बाद से लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। अब दूसरा है ट्रेड पॉलिसी, ये भी इकोनॉमिक पॉलिसी है। ट्रेड पॉलिसी में इन्होंने क्या किया था,
या पाव इनकी वहां से शुरू में तो क्या था, ब्रिटिशर्स का शुरू में क्या था, 1600 से लेके 1757 तक क्या था कि इंडिया का सामान खरीदते थे और फिर ले जाकर यूरोप में बेचते थे, समझ लो, क्योंकि इंडिया का मार्केट सबसे अच्छा था, इसीलिए आए थे यहाँ पर हमारा मसाला लेने, हमारा कपड़ा लेने, यही सब लेने आए थे। बट होता क्या, बाद में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है वहाँ पर, अब उनको चाहिए बड़ा मार्केट, तो वो उल्टा काम कर देते हैं। मार्केट था इंडिया, पॉपुलेशन हमारी तभी ठीक थी तो वहाँ सामान आता था यहाँ पर, और दूसरा बात उस इंडस्ट्रियल जो मार्केट था उसके लिए चाहिए रॉ मटेरियल, तो वो रॉ मटेरियल कहाँ जाता था, इंडिया से, तो यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट आता था। बट ऐसा नहीं था कि हमारी इंडस्ट्री खत्म हो गई, हमारे तब भी जो कारीगर थे वो काम करते थे, बट उसके बाद क्या करते थे, जब वो काम करते थे, मान लीजिए जो हाथ से बनाने वाले हाथ के बुनकर थे या कुछ काम बनाते थे, अब वो प्रोडक्ट जाता था ब्रिटेन में, तो ये क्या करते थे, वहाँ पर हाई इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते, इम्पोर्ट ड्यूटी समझते हो आप, इकोनॉमिक बड़े होंगे, आयात शुल्क बोलते हो उसको, आपकी कंट्री मान लीजिए चाइना करता है कि इंडिया में कोई चीज़ भेजता है तो उसको इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, इंडिया अगर US में कुछ भेजता है तो वहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है, वो WTO में पढ़ोगे आप, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमिक है, WTO ऐसे से रूल होते हैं, उसमें अलग अलग ब्रैकेट होता है कि किसमें कौन सा छूट मिलेगा, इवन डेवलपिंग कंट्री के लिए छूट होता है, डेवलप कंट्री के लिए कम छूट होता है, या फिर डेवलप के लिए नहीं होगा, डेवलपिंग के लिए ज़्यादा होगा, लीस्ट डेवलपिंग के लिए और ज़्यादा होगा। अभी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा कि बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे फास्ट निकल गई थी, उससे पीछे रीजन था वो लीस्ट डेवलपिंग में आते हैं, और उनका कुछ ही सेक्टर है जिसमें वो क्वार्टर वगैरह के सेक्टर में वो पहले से भी वो जगह थी जिसमें वो थोड़ा आगे निकल गए। दूसरा, वहाँ पर लेबर फोर्स जो है वो बहुत सस्ते मिल जाता है, जैसे इंडिया के अमेरिका के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इंडिया में लेबर सस्ता है, इंडिया के रिस्पेक्ट में देखोगे तो बांग्लादेश में लेबर सस्ता है, और ये रीजन से उनको बहुत सी छूट मिलती है, उनका कुछ स्पेसिफिक टारगेट है, स्पेसिफिक टारगेटेड एरिया है जिसमें वो एक्सपर्टीज होती है, थोड़ा बहुत कुछ दिन के लिए वो आगे निकले थे। तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि जो इम्पोर्ट होता है किसी भी कंट्री में उस पर कंट्री चाहे तो टैक्स लगा सकती है अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। एक होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, इकोनॉमी थोड़ा चल रहा है ठीक है, एंटी डंपिंग डंपिंग मतलब क्या होता है, कहीं चीज जाकर फेंक देना, डंप कर देना, तो एंटी डंपिंग क्या होता है कि आप पता चल रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या फिर आपके मार्केट में जो है वहाँ से उठा फिर मेरे मार्केट में रेट उससे भी सस्ते में आ रहा है। मान लीजिए चाइना हमारा इंडिया एक इंडिया का मान लीजिए आप इस कुर्सी बना रहे हैं, मान लीजिए एक इंडियन मैन्युफैक्चरर बना रहा है 200 रुपये का और चाइना वाला ला के उसको 100 रुपये में डाल दे रहा है मार्केट में, तो मार्केट लोग किसको खरीदेंगे, 100 रुपये वाले उसको किसको नहीं खरीदेंगे। और दूसरी बात है कि हो सकता है उसकी क्वालिटी खराब हो, कुछ भी खराब हो, बट मार्केट में लोग चीज़ें पहले सस्ती के लिए पीछे भागते हैं, एक तो ये हमारे मार्केट की चीज़ों को कॉम्पिटिटिवनेस कम कर देगा, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता है उसको कम कर देगा ठीक। तो ये इसीलिए इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। बट उनका क्या था कि उनका ये लग रहा था कि इंडिया का प्रोडक्ट भी आ रहा है ब्रिटेन में या फिर यूरोप में, तो इससे वहाँ के प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही थी, क्योंकि लोग हैंडमेड थे या फिर जो भी थे उस कॉम्पिटिशन को भी खत्म करना चाहते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रखा। बस इतना समझिए इस पूरी लाइन का मतलब ये है ट्रेड में कि ट्रेड पॉलिसी में यहाँ से जो सामान जाता था उस पर हाई इम्पोर्ट ड्यूटी, और इंडिया को उन्होंने फ्री एक्सेस दे दिया था कि ब्रिटेन का कोई भी माल आएगा इंडिया में बिकता रहेगा, यहाँ कोई भाई यहाँ कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी नहीं कि जो उनका अपोज करें, या तो बाकी सब भाई 1857 तक आते रहते छोटे मोटे स्टेट बचे थे, झांसी हो गया, सतारा हो गया, नागपुर हो गया, उदयपुर हो गया, इन लोगों में इतना औकात था ही कि ब्रिटिश अगेंस्ट खड़े भाई वो मुगल एम्पायर को सब्जुगेट कर दिए। लास्ट में 56 में अवध को सब्जुगेट कर देते हैं, अवध को तो बक्सर में एक प्रोटेक्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं, बक्सर का ही पता है आप लोगों को 64-65 इलाहाबाद की संधि, तो उसके बाद से क्या किया जाता है कि बक्सर को प्रोटेक्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मतलब कि उसकी पूरी सुरक्षा की गारंटी ईस्ट इंडिया कंपनी लेगा, तो उसको पूरा डिपेंडेंट था। उसके बाद से निजाम था, निजाम आपका 1790 या 1799 में आपका 1799 में सब्सिडी अलायंस साइन कर लेता है निजाम ऑफ हैदराबाद, मराठा बेचारे निपट ही जाते हैं, सिख आपके अजीत वो रंजीत सिंह के जाने के बाद से उनको भी मतलब मिला लिया जाता है, तो कोई बड़ा ऐसा था ही नहीं जो अंग्रेजों के प्रोडक्ट पर बैन लगा सके, तो अंग्रेजों ने इंडिया का मार्केट पूरी तरह से खोल दिया था कि बाहर का सामान आएगा यहाँ बिकेगा और यहाँ का माल जाएगा वहाँ पर नहीं, वहाँ पर बैन लगा दिया जाएगा। दूसरा एक और चीज़ था 1853 में ट्रेन चालू हो जाती है, मैं बोला था इकोनॉमी का चैप्टर कोई पढ़ के आया था, कोई नहीं पढ़ा था, पूरी क्लास से बोला था तुमने एक बंदा पढ़ दो बंदे पढ़ गया, आप पहले चैप्टर में देखे होंगे उसमें दिया है काफ़ी कैसे कैसे इंडस्ट्री डेवलप बर्बाद हुई थी इंडिया की ब्रिटिश टाइम में। तो होता क्या था कि जब आपका 53 में आता है ट्रेन, तो ट्रेन का एक्सेस जो पेनिट्रेशन होता है ना कि वो पूरे पूरे रूरल एरिया में भी उसका एंट्री हो जाती है,
मतलब जहां पर जिन लोकेशन पर आसान नहीं था पहुंचना वहां पर पहुंच जाती। उसके बाद ट्रेन तब स्लो चलती थी बट फिर भी उस टाइम की बैलगाड़ी से तेज चलती थी। ठीक है, अभी जितनी बुलेट ट्रेन नहीं थी बट स्टिल इट वॉज अ ट्रेन। तो फास्ट मूवमेंट होता था, दूर तक एक्सेस होता था और हर आदमी तक चीज़ें पहुँचती थी। अब उससे क्या होता था, इनके इनका जो सामान था मार्केट और बढ़ाती थी, रूरल मार्केट यहाँ का वहाँ का शहर का देहात मार्केट मिल गया। दूसरा एक और चीज़ था, ट्रेन से फिर क्या होता था, यहाँ से सामान लेके गए, मान लो झरिया गए और झरिया में सामान पटक दिए और वहाँ से कोयला खा लिए। तो जो मिनरल्स थे आयरन था, आप पाओगे क्या 1900 के अराउंड इंडिया में भी स्टील फैक्ट्री का मतलब कि वो हो जाता है, 1900 के अराउंड इंडिया में भी स्टील फैक्ट्री का 1907 होगा, मतलब उसी टाइम पर इंडिया में फैक्ट्री इंडिया में स्टील की फैक्ट्री डालने के लिए इनिशिएशन होता है। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले का मतलब 18th सेंचुरी में आ चुका रहता है। तो जो ब्रिटेन में जरूरत थी वो यहाँ से पूरा होता था रॉ मटेरियल का, सिर्फ ऐसा नहीं कॉटन का, तो जो मिनरल्स थे कोल से बहुत सी चीज़ें इंडिया से जाती थी उस टाइम। तो होता क्या था कि इसके कारण फिर से उनको ट्रेड पॉलिसी में उनको फायदा होता था। तो ये उसका रीजन था पहले जो ट्रेड, ये जो टॉपिक है ट्रेड पॉलिसी, इसमें पहला है कि इम्पोर्ट ड्यूटी इंडिया के प्रोडक्ट पर, दूसरा इंडिया का ओपन एक्सेस मार्केट, तीसरा रेलवे आ जाने से उनका और बड़ा मार्केट हो गया, पेनिट्रेशन बढ़ गया, एक्सप्लॉयटेशन हो गया। ठीक, कंपनी पॉलिसी ऑफ प्रमोटिंग ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड ओवर द इंडियन गुड्स, ये कंपनी की पॉलिसी थी कि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड है उसको प्रेफरेंस मिलेगा, फर्दर एड द इकोनॉमिक पार्टनरशिप ऑफ द इंडियन पीपल। इसमें एक एग्जांपल दे दिया, फ्री ओपन एक्सेस टू ब्रिटिश गुड एंड द इन इंडिया बट हाई इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द इंडियन गुड्स इन यूरोप। फिर क्या है, एक्सप्लॉयटेटिव फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। ब्रिटेन के क्या करते थे कि ब्रिटिश वाले लोगों को देते थे उधार पैसा लाइक लोन, और उसके टैक्सेस काफ़ी हाई लगा देते थे, जो आपके ये थे ना साहूकार बोले जाते हैं, साहूकार ये लोग यही काम करते हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कई बार लोगों को मॉडिफाइड तरीके से फंसा के और उनको ज़्यादा मतलब कि मॉडिफाइड इंटरेस्ट के साथ उनको काफ़ी हाई रेट पर देते थे, बाद वो नहीं चुका पाए तो उनकी जमीन हड़प ली या प्रॉपर्टी हड़प ली या फिर उनके क्या होता आम कुश्ती मतलब हाथ मड़ोड़ के कुछ और तरीके से उनसे बेनिफिट निकालना, या फिर कई पॉलिटिशियन कई लोगों से उनके रिलेशन थे क्योंकि यहाँ जितने हाई पोस्ट में थे मैक्सिमम ब्रिटिशर्स थे। तो कहीं कहीं से उनकी जो पॉलिसीज थी कि लोगों पर लोगों को मूर्ख बना के पैसा लो, नहीं बनता तो उनको धोखा देगा पैसा, ये भी एक फाइनेंशियल पॉलिसी थी, एक्सप्लोटेटिव फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। ठीक, ये भी एक कारण था। एक्सटॉर्शन करना, यूजली नाम एक्सटॉर्शन, यूजली मतलब वही होता है कि किसी को झूठ बोल के और ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे लोन देना। ठीक, और एक्सटॉर्शन मतलब समझते ही हो, वसूली करना। अब आते हैं रेलवे कंस्ट्रक्शन, ये बता चुके आप, लेकिन इसमें रेलवे का मुद्दा नहीं बताया, इसमें बताया रेलवे के कारण क्या फायदा था। रेलवे का एक और मुद्दा ये था कि रेलवे बनाने के लिए ब्रिटेन से इन्वेस्टमेंट आया था इंडिया में, और वो इन्वेस्टमेंट पे बहुत हाई प्रॉफिट की गारंटी की, मतलब मरते मरते 5% की गारंटी मिलेगी, 5% की गारंटी कोई बंदा अगर 2 रुपये लगाता है तो उसको 5% कितना होगा, 2 रुपये 5% कितना होगा बताइए, 10 पैसा। बाकी कितना कितना टाइम लगाते हैं आप लोग, सी सेट है और DI है, क्या क्या है आपका है। चलिए, तो 5% का प्रॉफिट आज के डेट में आप कोई बिजनेस अगर आप ओपन करते हैं ना, जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि इसमें प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना है और लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो देखा जाता है। 5% प्रॉफिट स्टिल टू मच, आज भी कोई बंदा 1000 करोड़ लगा रहा है तो अगर साल भर में 5% पा रहा है मतलब कि बहुत अच्छा बिजनेस है। मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जैसे इंडस्ट्री चलती कैसे, इवन शेयर मार्केट में 2% 3% का पैसा लगाते हैं, समझ लो शेयर मार्केट में एक चीज़ होती है पुट एंड कॉल, जो अभी हुआ है अटारी में मैटर, तो जान अटारी में मैटर आपको क्या था उसमें बताइए, कोई नहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट था उसके बाद क्या उसको बताया, तो उससे हिंडनबर्ग को फायदा क्या हुआ, हिंडनबर्ग को क्या फायदा हुआ, घाटे से फायदा नहीं होता है, ऐसे ऐसे नहीं होता है, बता दे रहा हूँ।
इतना भी पड़ा होगा कि आप डायरेक्ट शेयर खरीद सकते हो, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जिस दिन पहली बार आप सही होती है, पहली बार शेयर बिकता है मार्केट में, वो प्राइमरी जिसके आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। अभी हुआ था उसका पेटीएम का था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ जैसा बहुत बेकार हुआ था, तो पहले दिन लोगों ने कम खरीदा या फिर कम रेट पर खरीदना चाहा, आईपीओ होता है। सेकेंडरी मार्केट में फिर वो चीज़ आती है, वही लोग जो अपनी गाड़ी आज फर्स्ट हैंड खरीदी बाद में मार्केट में सेकेंड हैंड में बेच रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी मार्केट, वही शेयर मार्केट में आ जाता है। फिर इसके पास एक नया सिस्टम है और ज़्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको बोलते हैं ऑप्शंस। तो मान लीजिए शेयर 2000 का है, ठीक, 20000 तो नहीं हो गया, 2000, ठीक है, तो 2000 का शेयर है, इसके ऑप्शंस बन जाएंगे। ऑप्शन दो होते हैं, एक होता है पुट और एक होता है कॉल, ठीक। कॉल मतलब होता है जब ये मार्केट में ऑप्शंस उतरेंगे, तो मान लीजिए कि ऑप्शन है, मान लीजिए किसी का रिलायंस का है, मान लीजिए रिलायंस का ऑप्शन है, या फिर अडानी का था ना, अडानी रखते हैं, अडानी का ऑप्शन है, अडानी ग्रीन का मान लीजिए, ठीक। अडानी ग्रीन क्या है कि उनकी वो है, हाँ, ये रिन्यूएबल एनर्जी की जो कंपनी है वो अडानी ग्रीन है, अडानी ग्रीन का मान लीजिए ऑप्शन है, सेम शेयर का जो पुट है आपने खरीद लिया और सेम का कॉल आपने खरीद लिया। तो कॉल मतलब होता है कि जब मार्केट, मान लीजिए आपने 10 रुपये खरीदा इसको कॉल, अगर जब मार्केट जाएगा 11 रुपया तो आपको एक रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर यही मार्केट 10 रुपया से 9 रुपये पा गया तो आपका लॉस हो गया। लेकिन पुट वाले का क्या होगा ना, पुट वाला अगर खरीदेगा 10 रुपये पर, ठीक, और अगर आपका मार्केट आ रहा है 9 पर, तो पुट वाले को एक का प्रॉफिट हो जाएगा। पुट में कब लगता है पैसा, जब मार्केट गिर रहा है तो पुट वाले फायदा होगा, और जब मार्केट उठ रहा है तो कॉल वाले का फायदा। तो हिंडनबर्ग ने क्या किया था, पुट का ऑप्शन खरीदा था, अडानी का पुट का ऑप्शन खरीदा था। तो मान लीजिए उसके 100 रुपये पे जब अडानी का शेयर चल रहा था तब पुट खरीदा, अब अडानी का शेयर गिर के आ गया 30 रुपया, तो 70 रुपये प्रॉफिट इसको मिला, हिंडनबर्ग को मिला, देख। इसीलिए उसने उस न्यूज को डिस्क्लोज किया, इसीलिए। और दूसरी बात ये इसका फर्स्ट केस नहीं है, इसकी पहले एक आता था हीरोज करके था, हीरोज इंटरनेशनल पहले मूवी हुआ था, हीरोज इंटरनेशनल। और दूसरी बात, एक और तीसरी बात बता रहा हूँ कि हीरोज को जिसने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया हिंडनबर्ग ने, हीरोज के लिए उसने निकाला था रिपोर्ट, हीरोज में बहुत ज़्यादा माल एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर में, और बहुत ज़्यादा उसमें जो ऑफिसर पोस्ट है वो रुपया पैसे का दायरा ले फिर करते हैं, अपने शेयर की वैल्यू हाई ओवर वैल्यू दिखाते हैं, जैसे अडानी ने अपने शेयर की वैल्यू ओवर वैल्यू दिखाई थी। तो रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ, उसका रेट गिरा, तो उसने केस किया, हीरोज ने केस किया, तो फिर उसने वो प्रूफ कर दिया, उसने पूरा डिटेल निकाला हिंडनबर्ग ने, बोला देखो यहाँ गलती की हो, और लास्ट में पूरी कंपनी आज सॉरी पूरी कंपनी ही कोलैप्स हो चुकी है, हीरोज कंपनी कहीं आप मार्केट में सुनते नहीं हो। फिर अडानी पहला चक्कर नहीं था, इसके पहले 2-3 कंपनी को खा चुका है, और अडानी वाले मैटर में उसका जो था पूरा उसका जो रिपोर्ट है आप पढ़ोगे थोड़ा बहुत, उसका ग्लिम्स कहीं पढ़ोगे तब भी वो पूरा सॉलिड रिपोर्ट है। अडानी के एडमिनिस्ट्रेशन में आधे जिसके खिलाफ बड़े पड़े, यहाँ का पैसा वहाँ, वहाँ का पैसा वहाँ, और पॉलिटिकल पावर है ही, उसमें कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज आई एम ऑन द कैमरा। तो उसकी वजह से उसके पास आज के डेट में आप इसराइल से लगाया, श्रीलंका से लगाया, तो इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, हर कंट्री में, मिडिल ईस्ट में, हर जगह उनकी कोई मतलब हर चीज़ में है, पोर्ट में है, एनर्जी में आ चुके हैं, सीमेंट में आ चुके हैं, मतलब यू नेम इट एनी इज देयर, आप किसी चीज़ में ग्रीन एनर्जी में आ गए, एनर्जी जो भी चीज़ वो कैसे आता है। और इस पैसे का क्या होता है, ये पैसा मार्केट में जब आता है तो यही पैसे से फंडिंग होती है, यही पैसे से आपका बाद में किसी कंपनी को खड़ा किया जाता है, दीज आर द कैपिटल। ग्रामीण पढ़े होगा ना कैपिटल कैसे होता है, तो ये कैपिटल बनाने का तरीका है, 4 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, लेबर हो गया, और लैंड हो गया, ठीक। तो बस इतना जानो कि पुट कॉल का ये होता है, हिंडनबर्ग ने पुट लिया था, मार्केट गिरा तो उसको प्रॉफिट हो, कईयों हजार करोड़ कमा गया है हिंडनबर्ग, और बहुत लोग इंडिया में कमाए पुट के चक्कर, बहुत लोग कमाए, क्योंकि लगातार लगभग दस दिन गिरा, इंडिपेंडेंस के टाइम पर हुआ था मैडम जनवरी में, अब पीछे कैसे जाएंगे।
कॉस्ट में था 5% उनको गारंटी दी गई थी आपको 5% मिलेगा, तो वहाँ पे जितना इन्वेस्टमेंट था इंडिया में, ठीक जितना इन्वेस्टमेंट था इंडिया में, बाहर का पैसा लगा था, काफ़ी हाई कास्ट रेलवे बनाई गई थी, और इवन बाद में वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें घाटा हो रहा है रेवेन्यू जनरेट करने से, बट फिर भी वो पैसे की किसको देना था, जो आप 5% प्रॉफिट दे रहे थे ट्रांस दे रहे थे इंडियन पे, इंडियन टैक्स कर दे रहे थे, जैसे इंडियन स्टेट पर टैक्स लगाया जाता था ना, वो टैक्स इस फॉर्म में लगता है कि बाद में वो टैक्स आपको प्रोडक्ट में मिलता है, जैसे आप अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी दो तरीका होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट तरीके से लेगी, चाय पत्ती का रेट बढ़ा दिया, चीनी का रेट बढ़ा दिया, ठीक, तो अल्टीमेटली इंडियन लोग उसको पे कर रहे थे और उनका रेलवे बन रहा था, फायदा उनका हो रहा था और नुकसान हो रहा था। अब आते हैं फॉरेस्ट पॉलिसी, ये आपको पढ़ाया होगा कि उसमें ट्राइबल्स रिवॉल्ट जितने हुए थे 10 या 12 थे ईस्ट में, अपने ईस्ट मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी में, 2-4 मैंने बताए थे आपके महाराष्ट्र साइड में वेस्टर्न, 2-3 हुए थे अपने ईस्टर्न साइड में, आंध्रा हो गया पाइका रिबेलियन और बाकी थे, और उसके बाद से आपका एक दो हुआ था, दो हुआ था संन्यास का वो आपका इधर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में मतलब कि अपना पंजाब, ठीक वहाँ भी हुआ था, एक और कौन थे भगत थे, कोई हाँ दो थे भगत जवाहर वाला और एक वहाँ भी हुआ था, दो उधर हुआ था, तो उसमें क्या था फॉरेस्ट वाला सबसे ज़्यादा मिलेगा ट्राइबल रिवॉर्ड जो है सबसे ज़्यादा एरिया मिलेगा, इवन आपका संथाल और आपका जो फिर आप दोनों साथ बैठ गए बोले कहीं और बैठिए आप लोग बतियाते रहते हैं आप लोग, अरे ठीक बोले अरे ठीक पीछे आगे से बैठ जाइए। तो ये था कि फॉरेस्ट राइट क्या था, पता चुका था जो फॉरेस्ट लोग होते हैं जो भी ट्राइबल्स लोग होते हैं उनके अपने कस्टम होते हैं, अपना जीने का तरीका होता है, अपना इवन रिलीजन भी होता है उनके, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं, अपने शादी करने का तरीका होता है, उनके यहाँ क्या होता था जो लैंड होता है वो कॉमन लैंड होल्डिंग होती है, मतलब पूरे परिवार का या पूरे गाँव का पता चले एक ही जमीन है, वहाँ तो बंटवारा नहीं होता, ठीक क्योंकि फॉरेस्ट का था और उसमें जितने फॉरेस्ट प्रोड्यूस था उस पर उनका पहले राइट्स था, अंग्रेज आते हैं बोलते हैं ये फॉरेस्ट बाहर नहीं है, ये फलाने जमींदार बैठे हैं उनको दे दिए, कलकत्ता में बैठे देवदास उनको दे दिया गया, वो यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट करेंगे और आपसे पैसा ले जाएंगे, तो उनकी लैंड होल्डिंग चली जाती है उनके हाथ से, उनके बाहर के लोग वहाँ इंटरवेन करते हैं तो उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक और भी वो जब कल्चर वाला पार्ट पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि कैसे वो बाकी कल्चर को भी डिसमेंटल करते हैं, सही भी करते हैं कल्चर सही भी करते हैं, जैसे कोण जनजाति थी वो लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस का प्रैक्टिस करते थे, आदमी को बलि देते थे, तो उसको उसके अगेंस्ट गए तो बाद में रिवॉल्ट हो गया, कोण रिवॉल्ट बोलते हैं, बट अल्टीमेटली इट वॉज अ ब्रूटल थिंग किसी को मारना, तो कुछ चीज़ें वो अच्छा करने चाह रहे थे वो भी गलत था, बट हाँ उनका मोटिव हमेशा था पैसा कमाना था, फॉरेस्ट से उनको मैक्सिमम पैसा कमाना था। दूसरा बात ये था जब ट्रेन बनती है तो ट्रेन में उस टाइम पर टिम्बर यूज होता था, ट्रेन की पटरियों का लोहे का लगता है वो सीमेंटेड लगता है ना, वो सीमेंटेड में था पटरियाँ नहीं थी तब टिम्बर यूज होता था, वो टिम्बर आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं जंगलों से काटे जाते थे, इवन बाद में आप पाओगे ना आप पाते हो आज के डेट में पाइन ट्री का बहुत ज़्यादा कल्चर इधर उत्तराखंड साइड में है ना, पाइन फॉरेस्ट वगैरह पाइन फॉरेस्ट है, ये पाइन फॉरेस्ट ब्रिटिश टाइम में लगाया गया था, डॉलोजी के टाइम में लगाया गया, अभी के नया नहीं है, बट हाँ जो पाइन का एक्चुअल जो उसका जो प्रोडक्शन है वो हिली एरिया में उतना नहीं होता था पहले, ये बाद में जब इंट्रोड्यूस किया तो उनको रेलवे से रखनी चाहिए, और पाइन ट्री जो होता है ये बहुत ज़्यादा मतलब इसमें आग लगने के चांसेस है, इसलिए उत्तराखंड में भी आपको सुनता होगा कि आग फॉरेस्ट फायर का कैसे उत्तराखंड में भी आता है, ये पाइन ट्री की देखने खड़ी की उन्होंने लगाया था पाइन ट्री वहाँ पर, ये हो गया तो फॉरेस्ट पॉलिसी की मतलब वहाँ ट्राइबल्स की लाइफ को उन्होंने डिस्टर्ब किया, उनकी जमीन की जो प्रोड्यूस था और जमीन का जो साइज था उनका जमीन का जो अधिकार था उनका छीना, ये पड़ चुके रेलवे कंस्ट्रक्शन 5% प्रॉफिट मिनिमम की बात की गई थी, मैक्सिमम में तो 20% तक प्रॉफिट दिया गया था ऐसा था, ठीक और उसका घाटा किसने उठने को किया इंडियंस ने किया। अब आते हैं आपके कंक्लूजन पर, ये इकोनॉमिक था इकोनॉमिक में हम क्या क्या पढ़ लिया, एक उनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी हो गई, दूसरा ट्रेड पॉलिसी हो गई, अगर आपको मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ पूरा लिखना है कि क्या क्या रीजन थे बिहाइंड 1957 तो उसमें से क्या करिए एक लाइन बस लिखिए कि इकोनॉमिकल क्या इकोनॉमिकल में आ गया आपका कि आपका लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज आ गई उनकी, ट्रेड वाली पॉलिसी आ गई उनका, जो फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन वाली पॉलिसी आ गई, रेलवे आ गया और आपका ये फॉरेस्ट वाला आ गया, ऐसे 5 पॉइंट डाल दिए सब एक लाइन लिख दिया, फिर आप दूसरा जाओगे पॉलिटिकल उसमें 2-3 आएंगे तो लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद आपके सोशल में आ जाएंगे उसमें लिख दीजिएगा, ऐसे करके आपके 300 वर्ड तैयार हो जाएंगे, ये पूरा मसाला है, ऑल दी अभी कंक्लूजन ठीक ठाक मेरे हिसाब से है, ऑल ऑफ दिस इकोनॉमिक फैक्टर्स
contributed to the resentment and the anger that led to the Indian rebellions of 1857. The Indian people felt that the British colonial government was exploiting them for its own benefit, and they rose up in revolt against the injustice they were experiencing. वही कहानी है, सेम कहानी है कि इंडिया के लोग महसूस हुआ अंग्रेज हमारा फायदा उठा रहे हैं और उसके बाद वो लोग लड़ने चले जाते हैं. ये इकोनॉमिक फैक्टर है. अब आगे पॉलिटिकल फैक्टर पढ़िए. और आप पॉलिटिकल में तो आप देख ही रहे होंगे शुरू से इनका क्या था कि आए थे इन्होंने जितने भी यहाँ राजा महाराज थे फिल्म को दबाया, सब्सिडरी अलायंस हो गया. ठीक, उसके पहले रिंग फेंस जो था, रिंग फेंस इज द बेसिक ऑफ सब्सिडरी अलायंस. रिंग फेंस जो था ये डॉक्टरी नहीं था, जिनको नहीं पता होगा कोई जिसको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, आप बता सकते हैं जिसको नहीं पता. रिंग फेंस, रिंग बनाना और फेंस मतलब बाड़ा. सिंपल चीज, मान लीजिए कि कोई घर है आपके चारों तरफ आपने रिंग बना लिया और उस रिंग मतलब फेंस बनाया जो रिंग की फॉर्म है. ठीक, तो बाड़ा बनाना चाहता ये होता है कि आपकी टेरिटरी मान लीजिए यहाँ पर है और आपके बगल वाले की और टेरिटरी है और आपको तीसरे वाले से खतरा है, तो आप क्या करो, ये बगल वाले का प्रोटेक्शन करो ताकि आपको अगर कोई मैटर होगा तो इसका प्रोटेक्शन करोगे. अगर इसको आप बचा लिए तो अपने आप अपना बच जाओगे, मतलब अपने पड़ोसी को बचा लिए. अगर आपने अटैक से आपके मान लीजिए चारों तरफ पड़ोसी है, चारों तरफ के पड़ोसी घर बचा लिए तो अपना घर अपने आप बचा है. तो उसमें यह था कि अंग्रेज क्या करते थे, जहाँ जहाँ इनकी अंग्रेजों का पूरे भारत कब्जा नहीं था, इधर आज़ाद जब हुआ था इंडिया तो उस टाइम आप पाओगे कि कुछ ब्रिटिश ऑक्युपेंट स्टेट थे और कुछ जो थे कि आपका सिर्फ वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्नेंस था, इंटरफेरेंस था, बट वहाँ अपने राजा बैठे थे, अपने मोनार्क टाइप के लोग बैठे थे. ब्रिटिश प्रोटेक्टेड स्टेट अलग था. आप तीन चार तरीके की कैटेगरी थी जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना, उस टाइम पर चार तरीके की स्टेट थे इंडिया. एक ब्रिटिश के अंडर में डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल था, एक राजा वाले थे, एक सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड थे जैसे आज के डेट में आपका यूनाइटेड टेरेटरी यूनियन टेरेटरीज होती हैं. ठीक, और एक और था उसमें दमन भी, वो कुछ एरिया सारे इंट्रोड्यूस किया गया. नहीं, फ्रेंच तो थे, फ्रेंच भी थे, पोर्चुगीज भी थे, वो तो थे ब्रिटिश जो इंडिपेंडेंस से मिला, जैसे ब्रिटिश से मिला ना बफर स्टेट कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं आप, मैं उसको बता दूंगा. लेकिन एक्चुअली उनका एक क्लासिफिकेशन था, जैसे एक यूटी हो गया अलग और एक हो गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डायरेक्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, स्ट्रेटेजिक पॉइंट जैसे होते हैं, और एक था आपका कि नॉर्मल वो स्टेट जिनका सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल बैठ के रूल करते थे और एक जो थे राजा थे वहाँ वो काम करते थे, अपना राज करते थे, वो इंडिपेंडेंस स्टेट थे. 5.5 से ज़्यादा प्रिंसिपल स्टेट थे उस टाइम पर ना. उस टाइम पर चार तरीके का डिवीजन था, जब इंडिया आया था चार तरीके का डिवीजन था, फिर उसको मिला के फिर अपना यूपी बनाया गया और अपना ये बनाया गया, स्टेट बनाया गया अलग स्टेट. ठीक, जैसे अभी दो है ना, दो तरीके के स्टेट है, एक यूटी हो गया अपना और एक अपना ये है. ठीक, तो कई राजाओं को उन्होंने सब्लिगेट किया था, कई राजाओं को सब्लिगेट किया था. सब्लिगेट मतलब होता मिला लेना, उसमें से हो गया आपका अवध हो गया, आपका मराठा हो गया, आपका निजाम आप हैदराबाद हो गया, कर्नाटक में था कि वहाँ का दूसरा राजा ला कर दिया. ठीक, अल्टीमेटली वो भी राजा बैठे से कंट्रोल में था. कर्नाटक रीजन जो था, कर्नाटक नहीं, कर्नाटक रीजन वो बताया था मैं, कर्नाटक वेस्ट साइड में है, ईस्ट साइड में है और कर्नाटक वेस्ट साइड में. ठीक, अरेबियन सी के साइड में इंडिया का मैप सबको पता है, अरेबियन सी के साइड में कर्नाटक है, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला, और जो कर्नाटक रीजन था वो आंध्रा और मद्रास के वाला रीजन था. ठीक, वो कर्नाटक था, वो सी से आता था, ये मैं डाउट क्लियर किया था दो तीन क्लास पहले. तो ऐसे ऐसे क्या था, सारे स्टेट जो कब्जा किए थे तो वहाँ के राजा या तो वहाँ से डिपोज हो गए थे, वहाँ से उनको हटा दिया था, और या तो फिर कोई और वीक वहाँ बुला दिया था, तो जो राजा हटा था उसके अंदर भी रिजेंटमेंट था. फिर बाद में जमींदारी एक्ट में संसद क्लॉज आते हैं, संसद क्लॉज में जैसे आपके यहाँ पे राजा कुंवर सिंह थे, उनकी जगह उनकी रेंट फ्री स्टेट था उसको हटा दिया गया था. पता है कुंवर सिंह सबको पता होगा, जब यूपीएससी कर रहा है हर साल पूछता था, इस साल शायद नहीं पूछा है ना, सब पूछा था प्रीम नहीं पूछा, वरना हर साल कुंवर सिंह जी आते हैं, तो वो वहाँ नहीं आए तो मेंस में आ सकते हैं. ठीक, हो सकता है बीपीएससी मेंस में पूछ दे उनका रोल. तो ये लोग क्या थे, ये लोग वो जमींदार थे, छोटे छोटे जमींदार थे जिनके अधिकार छीने गए. तो ये एक पॉलिसी थी जिसके अंदर का मतलब लोगों के स्टेट को एनेक्स किया गया था, सब्सिडी अलायंस हो गया या कटिंग ऑफ फेंस हो गया. ठीक, रिंग फेंस पॉलिसी हो गया और एक सनसेट क्लॉज हो गया. सनसेट क्लॉज मतलब भाई कि जमींदारी है, शाम को 5:00 तक अगर नहीं पहुंचा पाए आपकी जमींदारी चली जाएगी. ये दो तीन क्लॉज थे, ये पॉलिटिकल रीजन थे. इससे क्या था भाई, इस किसान का 6 किसान की हिम्मत नहीं है कि वो जाकर लड़ सके, लेकिन जमींदार के पास ईगो होता है. क्यों? क्योंकि जमींदार पहले भी
जमीन एक प्रेस्टीज का माध्यम था ना, आज भी है। अब जमींदार है, कल को यहाँ घूम रहा था हाथी पर, और कल को तुम हाथी से बोले कुछ पैदल चलो, तो उसके आसपास के लोगों को उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। तो ये लोग के अंदर ज्यादा गुस्सा था, ये लोग के अंदर ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि भाई मेरा सब कुछ चला गया, पैसा तो अलग चीज है, प्रेस्टीज चला गया, उस टाइम के लोगों को प्रेस्टीज के लिए और ज्यादा चीजें थी। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ये अपने टेक्नोलॉजी भैया लेके आते हैं, पता है चुप का सिद्धांत बोलते हैं इसको। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ने कहा कि जिसके पास भी मेल हेयर नहीं, ऐसा नहीं था फीमेल हेयर, फीमेल मतलब जो अगला आपका जनरेशन है उसमें मेल नहीं, फीमेल है तो वो फीमेल को अधिकार मिलता ही था उस टाइम पर, जो माता पिता की जो प्रॉपर्टी थी उसमें फीमेल को अधिकार था, मतलब पैट्रियार्कल सोसाइटी थी अपनी, तो ऐसा था नहीं कि बेटी को राजा बना देंगे रानी बना देंगे, तो बेटा चाहिए था। तो इन्होंने क्या बोला कि जिस, और ये पॉलिसी आज की नहीं, पॉलिसी पहले से थी, आई थिंक 1826 या 24-26 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि आपका पास आप दत्तक पुत्र रख सकते हो, मतलब गोद लेके किसी को राजा बना सकते हो। बाद में जाके जब इसको लगता है कि अगर हमें जरूरत है, हमें स्टेट की जरूरत है, ये पॉलिसी बदल देता है, ये बोलता है कि नहीं, अब जिसके पास आपका खुद का सगा बेटा नहीं है वो अपनी घर द्वार परिवार हमको दे दो, ठीक। तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें भी पाओगे, इसके जब पढ़ोगे आप, जब आप डॉलॉजी के बारे में, अगर मैं गवर्नर पढ़ाऊँगा, गवर्नर के बारे में चलूंगा, मैं बोला हूँ गवर्नर जनरल वायस राय, ये लोग जितने लोग ना, तो जितने भी हायर पोस्ट ऑफ ब्रिटिश थे उनका मैं लेक्चर लूंगा, तो उसमें बताऊंगा कि डॉलॉजी की पॉलिसी थी इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे इकोनॉमिक पॉलिसी थी। आप पाओगे सतारा हो गया, झांसी हो गया, नागपुर हो गया, ये सब एरिया कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र चालू होता है और आपका ये यूपी तक आता है, ये सब वो स्टेट थे जो उसके ट्रेड रूट में आते थे, जो रेलवे का रूट था जहाँ उसको अपना रेलवे बिछाना था और ट्रेड करना था, उस रूट में आते थे। तो इनको इलेक्ट करने, बाकी क्यों नहीं, क्यों नहीं समझ के चलो उड़ीसा में कोई स्टेट कब्जा कर लें या फिर कहीं और, वहाँ भी छोटे मोटे राजा रहे होंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटजिक लोग थे, स्ट्रेटजिक लोकेशन थे सब। तो सबसे पहले सतारा कब्जा किया, तो ये क्वेश्चन आता है विच वॉज द फर्स्ट स्टेट वॉज एनेक्स्ड बाय द अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, तो वो था सतारा, ठीक। ये डॉलॉजी आता है, डॉलॉजी का एक ही काम था कि इंडिया को कंसोलिडेट करना, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स यूज करता है और उसके अंदर बहुत सारे स्टेट को कब्जा करता है, एनेक्स करता है, सात स्टेट को करता है, और उसके बाद से ये 1856 में चला जाता है। फिर कैनिंग आता है, कैनिंग आता है वही जो साहब पहले का मैटर रहता है उसी मैटर पर बवाल होता है, 57 में रिवॉल्ट होता है, उसके लिए एक नाइटिंग फैक्टर मिलता है वो चर्बी वाला कारतूस, दैट वाज द इमीडिएट कॉज, बट दीज आर द बेसिक रीजंस बिहाइंड द रिवॉल्ट, दीज आर द बेसिक रीजंस बिहाइंड द रिवॉल्ट। अब वो इमीडिएट रहता है, मतलब कि पहले से असलाह बारूद गोला तैयार रहता है, माची से काम करता है, 1857 का 10 मई को होता है वो माची से रहता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स हो गया, सब्सिडी अलायंस हो गया, सब्जेक्ट क्लॉज हो गया, ये सबको पता है ना, सब्सिडी अलायंस सबको पता है, वेलेसली लाया था, जो नए लोग हैं आप लोग याद रख लीजिएगा, वेलेसली लाया था इसको, और इसके पहले एक्चुअली में डुप्ले लाया था, डुप्लेक्स था, फ्रेंच गवर्नमेंट था, वो सब्सिडी अलायंस का कॉन्सेप्ट लाया था, इसने इसको और मास्टर किया है, इसने इसको और मास्टर किया, ये अंग्रेज है, ये फ्रेंच नहीं है। तो पॉलिटिकल भी हो गए, आगे देखते हैं क्या कोई और। Also the policy of annexing the state on the basis of maladministration, और को किसको किया था, maladministration किया था, यही बवाल हुआ था, एक बहुत कौनसी रानी थी, बाकी स्टेट को उन्होंने डॉक्टर ऑफ लैब्स का कब्जा किया था, बट अवध बच रहा था, अवध के पास बेटा भी था, सोचा इसको कैसे काटूं मैं, तो बोला इधर आओ। और जबकि सोचिए 1756 से सब कुछ अंग्रेजों के हिसाब से चल रहा था, 1765 में जब बक्सर का युद्ध होता है, तो अवध बन जाता है प्रोटेक्टेड स्टेट, मतलब जो अंग्रेज बोले जो वही करेगा, उसके बाद भी इसको एनेक्स करता है, क्योंकि इसकी जरूरत थी उसको, इस प्लेस की जरूरत थी उसको, ठीक ना। और उसको पास अवध के नवाब के पास बेटा था, लेकिन क्या करता है, उसको बोलता है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आप अच्छे से नहीं कर रहे, इसके नाम को छीनता है, उनका माइंड सेट देखिए किस हिसाब से उनका माइंड सेट चल रहा था, उनको अपना इकोनॉमिक बेनिफिट लेना था, वरना तुम बताओ तुम अपने अलायंस को क्यों कब्जा करोगे, जब तुम्हारी बात मान ही रहा है, आपको कहने को चल रहा है तो क्यों उसको बिना मतलब के पीटों को काटोगे, जब आपको लगेगा ना कि इसको हटा के मैं इसका प्रॉपर्टी पूरा कब्जा कर सकता हूँ, इसकी जरूरत क्या मुझे, तभी तो हटाओगे, कभी नहीं यही काम करते। इसमें भी एक कंक्लूजन दिया है, दिस वर द सम ऑफ द पॉलिटिकल कॉज बिहाइंड दैट 1857 रिवॉल्ट, हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द रिवॉल्ट वॉज नॉट अ यूनिफाइड मूवमेंट विद द सिंगल सेट ऑफ ग्रीवेंसेज। इसमें खास बात में ये एक्चुअली फाइनल में आ सकता है, फाइनल कंक्लूजन में आप कह भी दे सकते हो, फाइनल मतलब उस टाइम पे एक यूनिफाइड कॉज नहीं था, सबके अलग अलग कॉज, ये उस
was a complex and multifaceted uprising with a different cause and motivation in different region of India. Ab aate hain socio religious. अंग्रेजों को जानते जो हम लोग उनके लिए बारबेरियन पीपल थे, बारबेरियंस एक और क्रिश्चियंस जो क्रिश्चियन रिलीजन है काफी अच्छा है कुछ चीजें अच्छा है कुछ चीजें तो वो भी बहुत बारबेरियन थे। कैथलिक हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप काम जाओगे उन्होंने क्या क्या दिया ह्यूमैनिटी के साथ कैथलिक और प्रोटेस्टेंट। अभी रिसेंटली सुना होगा कि पोप गए थे कैनेडा में, वहाँ पर जो नेटिव लोग हैं उनसे माफी मांग रहे थे, अफ्रीकन से पोप ने बोला है सॉरी, मतलब वहाँ की जो मिसिंग्रिया होती थी उसमें हर तरीके का एक्सप्लॉइटेशन होता था, चाइल्ड अब्यूज हो गया, बच्चों को मार देना, कई हजार बच्चे वहाँ के नेटिव लोगों को मार के खत्म कर दिया गया कनाडा में, आपका अफ्रीका में, आपका ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इन जगह पर वहाँ की नेटिव ट्राइब्स को खत्म ही कर दिया और ऐसे नहीं किसी मार दिया, मतलब हर तरीके का एक्सप्लॉइटेशन जो आप कह नहीं सकते उस तरीके का एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया, ये इनका कल्चर था। ये हमारे कल्चर पर कुछ कमियाँ थी, याद रखिए कोई रिलीजन कोई कल्चर कोई पर्सन इस दुनिया में कोई भी चीज़ है ना वो परफेक्ट नहीं है। इवन फिलासफी में आप पढ़ोगे फिलासफी का मोटिव है कि पता करना कि विच वन इज अ परफेक्ट थिंग, परफेक्शन क्या है, फिलासफी का बेसिक आइडिया ये कौन है इस पूरे संसार इस पूरे सृष्टि में कौन है जो सबसे परफेक्ट है जिसमें कोई कमी नहीं किसी डिपेंडेंट नहीं है। तो ये तो है कि हर रिलीजन में कमी होगा लेकिन इन लोगों को अपनी गंदगी कमी नहीं होगी। कैथलिक ने जितनी गंदगी बचाई है, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट की फाइट पढ़ोगे ना, जितनी गंदगी वुमेंस के साथ और बच्चों के साथ जितनी की गई है ना काम जाओगा। लेकिन ये लोग इंडिया आए थे हमें सिखा रहे 1830 में एक एक्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 उसके थ्रू लाइसेंस मिलता है क्रिश्चियन मिशनरी को इंडिया में आने का या जबरी सोचो का प्रचार प्रसार करने का। ठीक, इंडिया में इसके पहले भी पोर्चुगीज भी ट्राई किए थे इंडिया में क्रिश्चियन को फैलाने में, काफ़ी हद तक वो वेस्टर्न कोस्ट पर सक्सेसफुल भी रहे हैं, गोवा वगैरह में आज भी काफ़ी अच्छा क्रिश्चियन मिशनरी है और क्रिश्चियन कल्चर है। इवन पोर्चुगीज ने एक और चीज़ की थी सती प्रथा को, अगर पूछा जाए इंडिया में सबसे पहले अबॉलिश किसने किया था तो इसमें आपको पोर्चुगीज ने किया था। उसके पीछे रीजन ये था कि जो वीडो थी उनसे वो चाहते थे कि पोर्चुगीज जो लोग हैं वो शादी करें और यहाँ पर बच्चे प्रोड्यूस करके हमारे लिए सोल्जर था या हमारे लिए एक नई पॉपुलेशन तैयार करें। ठीक, जो पोर्चुगीज पॉपुलेशन हो उनके पीछे ऐसा कोई ह्यूमैनिटेरियन थॉट नहीं था, बस वो फिर प्रॉफिट मिले कर रहे थे। ठीक, तो इसी चीज़ को बाद में अंग्रेजों ने भी यूज किया है बट उसके पीछे थोड़ा ह्यूमन बैकग्राउंड था, विडो रिमैरिज खत्म करने के पीछे ह्यूमन बैकग्राउंड था, उसमें राजा राम मोहन राय काफ़ी पीछे लगे थे। फिर जो आपका विडो रिमैरिज एक्ट आता है, सॉरी मैं बोला कि विडो सब गलत बोल दिया, सती प्रथा को कम करने के लिए सती ऑपरेशन था उसके लिए राजा राम मोहन राय ने काम किया था और विडो रिमैरिज के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने काफ़ी काम किया था। ठीक, फिर चाइल्ड डिसाइड होता था जो आज इंडिया में आज भी होता है बताते हैं आपको। ठीक, रिलीजियस इंटॉलरेंस क्या था, ब्रिटिश साइड अडॉप्टेड द पॉलिसी दैट द शोड द इंटॉलरेंस, मतलब इंटॉलरेंस सबको पता ही हो गया होगा बीजेपी का है सबको पता है इंटॉलरेंस असहिष्णु। ठीक ना, तो अंग्रेजों का हिंदुओं के प्रति या भारतीय नेटिव जो भी रिलीजन थे इस्लाम सबके प्रति एक असहिष्णु व्यवहार था नजरिया था उनका। ठीक, ऑन देयर प्रैक्टिस एंड बिलीफ ऑफ द इंडियंस, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश पास्ड लॉ सच दैट द विडो रिमैरिज एक्ट, अभी तो वो अच्छा हमारे लिए विडो रिमैरिज एक्ट आज के डेट में लॉजिकल है बट उस टाइम पर जो सोसाइटी थी इसको इंटॉलरेंट समझ ली, जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे वो समझेंगे तो हमारे अधिकारों को खतरा है। ठीक, फिर दूसरा क्या है एबोलिशन ऑफ सती 1929 वेयर द सीन इज द इंफ्रिंजिंग विद हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब आते हैं प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, इसमें दो तीन चीज़ की थी, एक था वेस्टर्न एजुकेशन जो आपको 1830 से चालू हो जाता है बाद में आपका। ठीक, प्रॉपर मतलब पहले से था लेकिन 1830 या उसके बाद का आता है जो जितने भी एक्ट आते हैं उसमें पूरी तरह से इनको काफ़ी फैला दिया जाता है इंग्लिश कल्चर को इंग्लिश लैंग्वेज को, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया मैक्सिमम लोग ऐसे हों जो कि क्या थे इंडियन बाय स्किन बट इंग्लिश बाय द टेस्ट, चमड़ी से वो भारतीय हो बट टेस्ट से वो अंग्रेज बन जाए ताकि वो वहाँ के चीज़ें खाएँ पिए कंज्यूम करें हमारे कंज्यूमर मार्केट पर देखा। दूसरी बात है कल वो सोसाइटी को रिवॉल्ट आ रहा है कोई मैटर आ रहा है तो वो लोग सपोर्ट करेंगे ब्रिटिशर्स को यहाँ के लोगों को अपोज करेंगे। और तीसरा एक होता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ट्रिकल डाउन इफेक्ट मतलब होता है कि आप ऊपर के कुछ एलिट लोगों को एजुकेट कर दो वो नीचे को एजुकेट कर देंगे, या फिर आपको मान लो सोसाइटी डेवलपमेंट करना है तो ऊपर के कुछ लोगों को डेवलप करो वो पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे फिर बाकी लोगों को उठा लेंगे। बट ट्रिकल डाउन इफेक्ट इज ऑलमोस्ट फेल्योर इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटी,
क्योंकि ह्यूमन माइंड से पैसा आया है, ऊपर उठ जाता है तो नीचे वाला तो गरीबी रहे। समझ रहे हो आप? किसी जैसे आप मान लो कि चीनी है, चाय बना रहे हो, चाय पत्ती ऊपर डालें तो वो नीचे तक चला जाए, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है, वो बाय द लॉ बाय द फिजिक्स के थ्रू जाएगा। लेकिन इंसान में क्या है, जो पढ़ लिख लेगा, आप उठा देखिए जितने भी आज के रिजर्वेशन सिस्टम है, OBC में तो आगे एवरी क्लियर, बट आप ट्राई करो, आप ST में पाओगे, ST में आप UPSC का रिजल्ट भी देखना फिलिप्स का, तो ऑलमोस्ट ST के लिए आपका 7% रिजर्वेशन है ना, ST के लिए 7% रिजर्वेशन, 7% क्या होता है, अराउंड 5% जो भी है, ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी आपको, एक राजस्थान की एक कैटेगरी है, ऑलमोस्ट ना ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सीट है वो ले लेते हैं। आप पता चलता है नॉर्थ ईस्ट में इतने ट्राइब है, आंध्रा में इतने ट्राइब है, छत्तीसगढ़ में इतने ट्राइब है, राजस्थान में भी ट्राइब्स बहुत सारे, उनके अलावा भी हैं, फिर आपके मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, इन लोगों के पास खासा नहीं, ये लोग कॉम्पिटिशन उनका बढ़ जाता है, कट ऑफ भले कम जाए लेकिन तो अपनी कैटेगरी में ज़्यादा कॉम्पीट करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि इनके पास इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उतना नहीं है, और वहीं पर वो कम्युनिटी जो जिसका मैं बोल रहा हूँ वो इकोनॉमिकली आजकल दे आर मोर स्ट्रॉगर दैन जनरल कैटेगरी, दे आर मच मोर स्ट्रॉगर दैन, उनके उनके आज के ब्यूरोक्रेट्स हर जगह पर, उनके मिनिस्टर हर जगह पर हैं, आप जाओगे राजस्थान में हर पोस्ट पर वो लोग हैं, तो उसमें क्या है कि वो भाई आपको रिजर्वेशन दिया गया था ताकि आप अपलिफ्टमेंट कर सको, आप अपलिफ्ट होने के बाद अपना रास्ता तो छोड़ो ताकि नीचे वाले को फायदा मिले, तो वो मिलता नहीं है क्योंकि सारा अपॉर्चुनिटी अपने ग्रैब करना चाहते हैं। सेम SC में भी आप देखो कई जगह होता है, तो ये क्या होता है कि ब्रिटेन डाउन इफेक्ट यहाँ काम नहीं करता, या आप ST कैटेगरी कुछ लोगों को आपने एजुकेट कर दिया तो बाकी करेंगे नहीं, कितने ST कैटेगरी की कोई बंदा IAS बनने के बाद, मतलब रेयर टू रेयरेस्ट एग्जाम्पल मिलेगा कोई रूरल एरिया में जाकर लोगों को पढ़ा रहा है, या टीचर बनने के बाद वहाँ जाकर पढ़ा रहा है, या डॉक्टर बनने के बाद वहाँ सर्विस कर रहा है, इट्स वेरी रेयर थिंग। मतलब मैं पर्सनली मतलब शायद ही कोई अभी मुझे एग्जाम्पल नहीं मिला, होगा कोई डेफिनेटली तो होगा, बट मास लेवल पर नहीं होगा, तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है हर जगह पर काम नहीं करता। तो इन्होंने यही सोचा था कि इंग्लिश को ऐसा किया जाए कि इंग्लिश को इतना फैलाया जाए कि इंडियंस में हो, इंडियंस के अंदर वो टेस्ट आ जाए, और तो वो क्या करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाएंगे, इंग्लिश कल्चर पढ़ाएंगे, फिर बताएंगे देखो क्रिश्चियनिटी कितनी अच्छी है, तुम लोग कितने गले हो, हम लोग इंग्लिश वाइन पीते हैं और तुम लोग क्या पीते हो, बहुत पीते हो, हर तरीके से उन्होंने डिमिलिएट किया। और दूसरा क्या था, हाँ एक और था रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1950 ना, इसमें क्या होता था कि मान लीजिए कोई हिंदू है वो कन्वर्ट हो गया क्रिश्चियनिटी में, तो पहले ये था कि आपने रिलीजन कन्वर्ट किया तो आपको बाप की संपत्ति से भेदभाव कर दिया जाए, एक अधिकार नहीं मिलेगा। दूसरा क्या था कि इस्लाम में यह था कि जो वुमन्स थी उनको इक्वल राइट्स नहीं था मेल के साथ प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स नहीं था, तो इसमें ये चीज़ें की हुई कि जो डिसेबिलिटी एक्ट आया था रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, समझो धार्मिक अविकलांगता अधिनियम, नहीं धार्मिक विकलांगता अधिनियम, तो इसमें ये था कि ये तो एक किया गया था आप अपना रिलीजन चेंज कर सकते हो, हिंदू या मुसलमान हो कोई भी हो कन्वर्ट कर सकते हो, और आपको अपने पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार रहेगा जैसे पहले था। दूसरा ये किया गया था कि जो वुमन्स थी उनको इक्वल राइट्स दिए गए थे जो इस्लामिक लॉ में अलाउड नहीं था, तो इससे हिंदू मुस्लिम दोनों रिजेंटमेंट आ जाता है, हिंदू मुस्लिम दोनों को लगता है कि यार तो हमारे जो हिंदू लड़के हैं वो क्रिश्चियन बनेंगे, जो मुस्लिम लड़के हैं वो भी क्रिश्चियन बनेंगे, तो उनको लगता है कि हमारा तो भाई ऑर्थोडॉक्स लोग सोशल रिलीजियस भी आता है, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेज आए थे और मतलब क्या इफेक्ट पड़ा था और रिलीजन में क्या इफेक्ट पड़ा, जैसे आपका विडो रिमैरिज सोसाइटी में अच्छा है लेकिन ऑर्थोडॉक्स से बुरा मान गए। फिर आज एक समरी फिर एक कंक्लूजन दे दिया है, चाहिए तो पढ़ लीजिएगा कि पढ़े बता दें, आज मैं ये सब इसलिए डाला हूँ ना आप सीधे सीधे ये लाइन है कहीं भी आंसर नहीं लिख सकते, ये बने बनाए चार लाइन अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने हैं कहीं भी लगा सकते हैं। द समरी, इन द समरी द सोशल रिलीजियस कॉज ऑफ द 1857 रिवॉल्ट वर प्राइमरली रिलेटेड टू द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस डिसरिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस सेंटीमेंट, यहाँ के लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट को करना, प्रमोशन ऑफ द क्रिश्चियनिटी एंड सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म बता दिया, विडो रिमैरिज हो गया, सती अबॉलिशन हो गया, ये सब दैट इंटरफर्ड विद द ट्रेडिशनल इंडियन कस्टम्स, दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द इंडियन पॉपुलेशन एंड इवेंचुअली लेड टू द आउटब्रेक ऑफ द रिबेलियन। अब मिलिट्री कॉज पाए जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, मिलिट्री कॉज में क्या था आपको बता चुका हूँ, बता दिया, ये तो इनका डिस्कंटेंट था कि महंगाई भत्ता और अलाउंसेज जो मिलते थे, अलाउंसेज रुक दिया गया था इनका बाद में,
अगर आप बाहर में भी काम करते तो आपको अलाउंस नहीं मिलेगा। दूसरा ये था कि हाँ देखिए पेज पेज था इनका था वन थर्ड, सेम रैंक पे अगर एक अंग्रेज है और एक इंडियन है सेम रैंक पे अगर है तो उसमें अंग्रेज को तीन गुना पैसा मिलता था, इंडियंस को तीन गुना, मतलब अभी से कम हो गया था, एक को तीन गुना तो उससे वन थर्ड मिलता था उसको। और दूसरी बात एक और थी इंडियन का प्रमोशन नहीं था, प्रमोशन में हाईएस्ट सूबेदार रैंक तक था, ठीक हाईएस्ट सूबेदार रैंक तक पहुँच सकता था इंडियन, उसके ऊपर जितने ब्रिटिश ऑफिसर थे वो सारे के सारे गोरे लोग थे। पिछली क्लास में बताया था दो तरीके की आर्मी होती थी, क्वींस आर्मी एंड ट्रूप्स आर्मी। ब्रिटिश की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आई थी इंडिया में दो ब्रिटिश आर्मी थी, एक को बोलते थे क्वींस आर्मी, वो थी आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन, और एक होती थी ट्रूप्स आर्मी। ट्रूप्स आर्मी का ये कहा था कि ट्रूप्स आर्मी में मैक्सिमम इंडियंस थे और उसके बाद से ऑफिसर जो थे वो सब सब अंग्रेज थे। तो ये लोग कहीं जाते थे किसी भी स्टेट पर वॉर करना है, मान लीजिए अफगान वॉर है, सिंध वॉर है, बर्मा वॉर है, या फिर मराठा वॉर है, कहीं कभी ये लोग लड़ने वाले जाते थे, लड़ने का ये लोग करते ट्रूप्स आर्मी, ठीक। और जब लड़ के वहाँ कब्जा कर लिए लूट पाट जो भी हो गया, जो भी चीज़ कर लिए, पेटी पेटी कर लिए, अब वहाँ पे परमानेंट वहाँ स्टेबल होने के लिए ऑक्यूपेशन बनाने के लिए आती थी क्वींस आर्मी, जो आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन थी वो लड़ाई नहीं करती थी जनरली नहीं करती थी, कभी कभी करती होगी वो भी, क्योंकि जनरली कभी मुझसे कभी नहीं लड़ती थी, तो फिर आर्मी का मतलब क्या है, कॉमन सेंस लगाना। आपने भी पूछ दिया कि नेवर फॉट, तो नेवर जितने भी एक्सट्रीम वर्ड होते हैं उनको यूज ही मत करना, ठीक। तो वो बाद में आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन आते थे क्वींस आर्मी, ट्रूप्स आर्मी क्वींस आर्मी। ट्रूप्स आर्मी में 1857 तक आते आते 86% है वो इंडियंस थे। ट्रूप्स आर्मी जो थी जो लड़ने वाला काम करते थे उसमें सोच लीजिए 80% से ज़्यादा लोग सिर्फ सिर्फ भारतीय थे और 15-20% जो थे आपके अंग्रेज थे। तो ये भी एक रीजन पड़ता है कि वो 20% अंग्रेज सिर्फ ऑफिसर को सकते, बड़े पे आपके मेजर हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, जो भी कर्नल फर्नल जनरल जो भी बनते होंगे तो वो लोग पोस्ट पे थे, और इंडियन बेचारा कितना भी जिसने उसको बाजार पोस्ट पर जा सकता था, उससे ज़्यादा वो जा नहीं सकता था। तो एक तो प्रमोशन हो गया, पे गैप हो गया, तीसरा आपका पाओगे कि आपका इधर आ गया अलाउंसेज, हाई हैंडेड ब्रिटिश रूल, मतलब कि ब्रिटिश पॉलिसी हाई हैंडेड मतलब होता है कठोर होकर बात करना या फिर ज़्यादा एरोगेंट होकर बात करना। तो भाई आप देखिए ये अंग्रेज एरोगेंट थे, हर तरीके से डिसरिस्पेक्ट करते थे हम लोगों को, उनका ही तरीका था कि इंडियन सोल्जर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते थे। एक और रीजन था जिसे मेंशन नहीं किया, उस टाइम पे क्या होता था कि आपका जो सिलेक्शन होता था उसमें सिपाहियों का वो हर कास्ट से होता था, हर कास्ट में जाते थे वहाँ पर। अब उसमें सोच लीजिए कि ब्राह्मण पहुँचा है, क्षत्रिय पहुँचा है, एक पठान पहुँचा है, एक दलित पहुँचा है, जैसे महार रेजिमेंट बाद में डिवाइड कर दिया था, महार रेजिमेंट जो है मैक्सिमम महार जो है महाराष्ट्र के दलित कम्युनिटी जो है उसको महार बोला जाता है, एक दलित पहुँचा है उसमें, और दोनों सिपाही सेम रैंक पर, और गाँव में वो राजपूत ऊपर है, ब्राह्मण ऊपर है, वो पठान ऊपर है, और यहाँ पर वो कोई मोची आ गया इस्लाम का, कोई मोची आ गया इस्लाम कम्युनिटी का, हिंदू का कोई दलित आ गया, वो सोसाइटी में तो ऊपर नीचे है वहाँ बराबर है। अब उसके सामने एक को गलियार है मान लो कि राजपूत साहब आया पंडित जी हम उड़ा लग गया भाई इसके सामने गलियार आया, इससे इससे साइकोलॉजिकल थी थोड़ा जो ये चीज़ें होगी जिसके अंदर क्या आएगा कि मैं तो इस बोले की जिस दिन मौका मिला इसको काट कर रखा, यही आएगा ना मन। तो एक उनका था कि जो उनका एरोगेंट एटीट्यूड था वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, वो इंडियंस को बेकार मानते थे, उसमें भी इंडियंस के अंदर भी था ये चीज़, तो पता चला एक का डिसरिस्पेक्ट कर रहे तो दूसरे को अपने आप फर्क होता था। एक तरीका क्या था, पहला एक तो पॉलिसी डिसकंटेंट डायरेक्टरी कॉज में था इनका, हाँ आपका पे हो गया और प्रमोशन हो गया, ये दो चीज़ें दिक्कत थी कि प्रमोशन नहीं होता था और पे इनका वन थर्ड था। तीसरा क्या है, इनका रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन था, एरोगेंट एंड अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव मतलब होता है कि डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप वाला जो एटीट्यूड होता है उसको अथॉरिटेटिव बोलते हैं, ठीक। और रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन मतलब जात को नस्लभेद नस्लभेद करना। ऑर्डर एंड एक्ट, ये आया था इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें ये था एक इनलिस्टमेंट ऑर्डर ऑफ 1856 में बनता था। डॉलॉजी क्या करता है कि जो वही जो बाहर जो जितने भी इंडियन ऑफिसर रहते हैं इंडियन सोल्जर रहते हैं, इस एक्ट के थ्रू ये होता है कि आप अब यहाँ से बाहर भी नहीं जाना है, ये भी आपको जाना पड़ेगा। तो उस टाइम पर इंडियंस कहते हैं कि अगर हम समुद्र क्रॉस कर लेंगे तो हमारी जात धर्म चला जाएगा, समाज से अवकाश हो जाएंगे। उसके पीछे रीजन था कि अगर आप बाहर जाके कर रहे हो क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो कैसे रह रहे हो कुछ पता नहीं, तो सोसाइटी मान लेती थी या नहीं तो देश निकाला बोलते हैं, देश निकाला हो गया, एक ये रीजन था। दूसरा फिर इसका दूसरा ऑर्डर आता है, ठीक। दूसरा आपका आता है पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, इसके अंदर डॉलॉजी था, डॉलॉजी आई थिंक 48 में आता है ना,
1848 में आता है और 8 साल रहता है, 8 साल में खेल करने चला जाता है, बहुत सारे खेल करता है, एनालॉजी मस्त है। मतलब जो भी हो बुरा था लेकिन वो उसने काम बहुत करी है, बहुत जंग था डबल। एक खास बात और, जितने भी आप पाओगे ना, जितने भी वायस राय थे या फिर गवर्नर जनरल थे, ये सब के सब यूके के फ्यूडल सोसाइटी से आते थे। फ्यूडल सोसाइटी मतलब वहाँ के जो एरिस्टोक्रेट सोसाइटी थी ना, वहाँ के जो बड़े सामंती लोग थे, वो उनका चूंकि किससे रिलेशन था, उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन था उसमें, अरे पार्लियामेंट में था, तो वो लोग का पकड़ अच्छी थी। तो मैक्सिमम जितने पाओगे आप, नेशनल चर्चिल हो गया, ये हो गया, एस टी हो गया, ये सब सब बस एक क्लाइव था, क्लाइव क्लर्कल पोस्ट पाया था, वो अपनी क्वालिटी से ऊपर उठाया था, क्लाइव नहीं था, क्लाइव क्लर्कल पोस्ट पाया था, वो अपनी क्वालिटी से ऊपर गया, जो फर्स्ट गवर्नर बनता है। ठीक, बाकी ये सब के सब फ्यूडल फैमिली से आते थे, एरिस्टोक्रेट फैमिली बोलते थे वहाँ से आते थे। ये बहुत जंग था जब आया था, जो जुनून जज्बा उसका भरपूर था कि हमको पूरा देश को इकट्ठा करना है। ठीक, और ब्रिटिश साम्राज्य को और स्ट्रांग करना है, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में रिफॉर्म करता है, फिर इसके बाद से आपका ये जमीनों को कब्जा करता है, रेलवे का रिफॉर्म कराता है, और भी इसके बहुत से इनिशिएटिव हैं। जब वही फिर गवर्नमेंट पढ़ेंगे एक्सप्लेन करेंगे, बता मजा करता जाएगा। अब आते हैं आपका, हाँ, पोस्ट ऑफिस एक्ट में ये था कि जो उनको फ्री पोस्टल सर्विसेज थी वो ऑफ कर दिया जाता है जब आपको पैसा देना होता है। अलाउंसेज विदड्रॉल, जो अलाउंसेज मिलते थे कहीं बाहर में काम करने का, जो बताया था शुरू में कि आप पटना में हो, लखनऊ में काम कर रहे हो, आपको अलाउंसेज मिल रहा है, या किसी और कंट्री में पोस्टेड हो, आपको अलाउंसेज मिलता है, वो अलाउंसेज विदड्रॉल कर दिए जाते हैं। तो ये तीन रीजन आपके मिलिट्री की ग्राउंड में मिल जाते, मिलिट्री में तीन रीजन थे, एक उनका कि आपका पोस्ट ऑफिस वाला हटा दिया गया, पोस्ट ऑफिस में जो वो लेटर भेजते थे या कुछ भेजते थे उसका चार्ज देना पड़ेगा, अलाउंसेज उसके हटा दिए गए थे, और उसके बाद से उनके ऊपर डाल दिया गया था कि आप इंडिया से बाहर कहीं भी जा सकते हो, नौकरी कहीं भी कर सकते हो, उससे उनकी कास्ट के लिए दिक्कत था। वन थर्ड उनका पेमेंट हो गया था, पेमेंट उनका वन थर्ड था ही, उन्हें क्या था ही, और उसके बाद से उनका प्रमोशन नहीं होता था, रेजिस्टर डिस्क्रिमिनेशन होता था, ये सब चीज़ें थी। अब इमीडिएट क्लॉज आ गया, इमीडिएट क्लॉज क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू राइफल कार्ट्रिज। तो पहले इसके एक दूसरी राइफल थी, उसकी जगह पर रॉयल इनफील्ड करके राइफल लाई जाती है, इनफील्ड राइफल ऐसा है, रॉयल इनफील्ड है क्या, उसी के नाम पर बुलेट है, बुलेट पता है रॉयल इनफील्ड कार्ट कंपनी, यूपी की कंपनी, और इंडिया में थोड़ा मार्केट है इसका, उस टाइम पर भी अंग्रेज इसी घूमते थे, इसी ऐसी बुलेट थी। तो ये जो राइफल आती है ये सबको दुनिया में सबको पता है, इसको बताया कि नहीं बताया, ठीक, गाय और सुअर मतलब पिग एंड काउ फैट्स, चर्बी जो होती थी उसको कार्ट्रिज था उसके ऊपर लगाया जाता था ताकि वो उसको सेम रह सके, ठीक, ह्यूमिडिटी ना अंदर जाए, और जब बाद में उसको यूज़ करना हो तो दांत से खींचो, उसको भरो और फायर करो। तो रॉयल एनफील्ड का रेंज ज़्यादा था, इसकी एक्यूरेसी अच्छी थी, ये नई तरीके की राइफल लाई गई थी, उसके पहले दूसरी राइफल थी ब्राउन ड्रेस मस्टर्ड बोलते हैं, जिसको मस्टर्ड बोला जाता था, ग्राउंड बेस मस्कट थी, उसको हटा करके रॉयल एनफील्ड राइफल आई जाती है। तो इसमें बस ये था, और ये खास बात ये है कि इसका अभी तक कोई प्रमाणित नहीं है कि वो चर्बी किसकी थी, वो गाय की थी, सुअर की थी, किसकी चर्बी थी, लेकिन किसकी थी प्रमाणित थी, तो क्योंकि अंग्रेज कभी इसमें कभी एक्सप्लेनेशन दिए नहीं, और अंग्रेज इंडिया में कोई था ही नहीं एक्सप्लेन करने वाला इसको, ठीक। तो ये रीजन बनता है कि तुरंत स्पार्क होता है, इसके पीछे की रीजन बता चुका हूँ, एनेक्सेशन होता है अवध का, और बाकी आपका सोशल रिलीजियस हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, और ये हो गया इमीडिएट कॉज। इसके बाद से 1857 का 10 मई को होता है, मंगल पांडे आते हैं, धूम धड़ाका होता है। अब उसके आगे की कहानी वो भी कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में, ठीक। अब उसके बाद 25 क्वेश्चन करा देते हैं, बढ़िया मत नहीं तो गलत मत समझिएगा, ठीक। आप जो नए लोगों को बता दें कि हर क्लास के बाद से ऑलमोस्ट हर तो 3-4 क्लास तो वही होगा, हम 20-25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन अगर हो पाए, जितना क्वेश्चन हो पाता है उतना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक, चलेगा ना विजय जी, हमारे फोल्डर में पहुँचा दीजिए, हमको पहुँच गए क्या, पहुँचे तो थे कहाँ यार, ये इसलिए होता है कि हैबिट बना रहेगा आपका प्रीलिम्स के लिए, ठीक, और मतलब ठीक है क्वेश्चन लगाना चाहिए, मेंस का भी इतना बोल दिया, प्री का भी दे दिया, लगे हाथ दोनों हो जाएगा ना, लगे हाथ। तो आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बताइए कोई ऐसा बताइए आप लोग,
लेक्स लोकी, ये जो नाम बताया था ना रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, उसी का दूसरा नाम है लेक्स लोकी, ये नोट कर लीजिएगा, इसलिए डाला था लेक्स लोकी। पूछ देता है, अब पूछ देगा आपको एक चीज बता है, दूसरा पूछ देगा तो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेक्स लोकी भी यही था कि जो रिलीजन कन्वर्ट करेगा उसका संपत्ति का अधिकार नहीं जाएगा। अरे लेक्स लोकी हिंदी में लिखा है, हटा रहे लैक्स लोकी। मैम लोकी तो इसी लोकेशन से कुछ होता है जैसे किसी चीज का मूल बिंदु हो, और लैक्स आई डोंट नो, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये देखना पड़ेगा, बट इसका मतलब हाँ समझ गए, इसका मतलब पूछ रहे हैं। इसका जो ये था वो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट जो बताया था, आया था ना 1850 में, उसी का ही दूसरा नाम है लैक्स लोकी। बाकी मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, अभी मुझे इसका वर्ड का मतलब नहीं पता। ठीक, लैक्स लोकी लोकस होता है, एक वर्ड होता है लोकस, किसी चीज का हेड होता है, तो वैसे उससे कुछ रिलेटेड होगा, बट मैं सीओ नहीं, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैं इसको बता दूंगा लेक्स लोकी, आपको इसमें बता दूंगा, क्योंकि वही एक्ट है, उसी का दूसरा नाम ये है, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट का दूसरा नाम है लेक्स लोकी। अच्छा हिंदी बनाते हैं, इंग्लिश बनाते हैं भाई, ये ठीक है, ये कहा लाल हो गया, समरी सेटलमेंट क्या हो गया, ऐसा नहीं बताया, ये क्या था ना कि बहुत सारे में बताया था तालुकदार होते थे जमींदारों के अंडर में, मावत के साइड में बहुत सारे तालुकदार थे, तो भाई आपका जो ब्रिटिश एम्पायर क्या था कि जिसके पास भी मौका मिला उसको सब्जुगेट कर लेते थे, तो जमींदारों को सब्जुगेट कर लिए, तालुकदार छोड़े, तालुकदार छोटे छोटे थे, जमींदार को ले लिया, उसके अंदर भी तालुकदार थे, उनके पास अभी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, और अवध के एरिया में बहुत सारे तालुकदार जो थे उनके पास बहुत सारा मतलब क्षेत्र था, तो कब्जा करते हैं, ऑलमोस्ट 50% तालुकदार जो थे उनको कब्जा कर लेते हैं, अंग्रेज अपने में मिला लेते हैं, तो उसके लिए बनाया गया था समरी सेटलमेंट। ठीक, दे दूंगा मैं, सब दे दूंगा, ग्रुप में दे दूंगा, फोटो नंबर दे दूंगा, समरी सेटलमेंट है ये वर्ड है, क्योंकि फिल्म से पूछ देगा नहीं पता होगा गलत हो जाएगा। समरी सेटलमेंट बस ये था, तालुकदार हो गए उनके जमीन, बताया तालुकदार लंबरदार, वो लंबरदार है कौन कहा जाता है, अरे वो तो नहीं, एक हरियाणा का बनता है ना एमसी स्क्वायर, एमसी स्क्वायर होगा भी यार, उसे गाना अच्छा लगता है। तो लंबरदार हो गए ये लोग, क्या करते हैं जमींदारों के अंडर में सब सब फ्यूडलाइजेशन बोलते थे इसको, मतलब फ्यूडल के अंदर फ्यूडल, चेले के अंदर चेला, राजा के अंदर राजा, ये लोग निकालते थे, उसी में से तालुकदार थे इधर, लंबरदार थे इधर हरियाणा पंजाब में, और माल गुजारते थे आपके महाराष्ट्र में, जो मराठी में थे वहाँ माल माल गुजारते थे, तो ये लोग फ्यूडल नहीं है एक्चुअली, ये बड़े फ्यूडल नहीं है, बड़े थे जमींदार हो गए, जागीरदार हो गए, ये लोग थे बड़े फ्यूडल, उनके अंडर नहीं लोग थे, उनके चेले थे। समझ आगे बढ़ाए, हाँ इसको बताइए, क्योंकि यार आप ये सोचो ना कि यहाँ आए थे तो कुछ ना कुछ तो भाई रेलवे बना रहे हैं, रेलवे के लिए कुछ ना कुछ तो
सीमेंट बना रहे हो या फिर आप चलो कोल का कुछ काम कर रहे थे, आयरन का आपका काम चल रहा था, कुछ ना कुछ चल रहा था, भले फैक्ट्री बाद में लगी हो लेकिन कुछ ना कुछ हैवी इंडस्ट्री के लिए बनाया होगा। कितने आपके इन्होंने ये बनाया, डैम बनाया, कहीं पे बड़े स्केल का भी काम किया था, तो ऐसा अगर बोल रहे हैं एक भी काम नहीं हुआ था, ये एकदम एक्सट्रीम आ जाते तो गलत ही मानो, किसी भी लिखा है मतलब तो ये गलत होगा। दूसरा वाला सही है, सबको पता है, एक वैसे ये ऑप्शन आपको बताया था सही है आपका, ठीक दो ही है। होम चार्जेस ये मैं बताया था, बताइए आपको सी होना चाहिए, वन एंड टू। क्यों होम चार्जेस क्या है किसी पता है? नहीं पता है, चलिए बताता हूँ। आप टेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पढ़े होंगे, दादा भाई नानू जी आज से जब ये लोग आए थे तो उस टाइम पे मतलब इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया गया था। अंग्रेजों का होम चार्ज ये था कि जितने ब्रिटिश ऑफिशियल इंडिया में काम करते थे उनका सैलरी वगैरह सब कुछ, मान लीजिए इंडिया में काम करना उसको मिल रहा है, अब यहाँ से मान लीजिए ट्रेन ऑफ चले गया इंग्लैंड वापस चले गए, तो वहाँ उनकी पेंशन की व्यवस्था थी यहाँ के टैक्स पेयर से ज़्यादा था। ऊपर से मान लीजिए ब्रिटिश जो है कहीं वॉर कर रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं वॉर कर रही है तो ये माना जाता है कि इंडिया के लिए कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, ठीक जो भी एक्सपेंशन होता था उसमें विस्तार करना होता था तो उसके लिए जो वॉर करती थी उसके खर्चे इंडिया से आते थे। फिर उसके बाद से वहाँ पर जो ऑफिशियल बैठे थे ब्रिटेन में जो ऑफिशियल बैठे थे जो इंडिया के लिए काम करते थे, ठीक जैसे मान लीजिए कि आपका बताया था ना सी ओ डी बताया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, ठीक ना, उसके बाद से आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बाद में आते ये लोग थे, तो जितने भी लोग थे बाहर किसी वहाँ भी बैठ के यहाँ का काम करते थे, अपॉइंटमेंट वहाँ था और इंडिया के लिए अपॉइंटमेंट था, ठीक तो वो लोग का भी जो चार्ज था वो इंडिया से जाता था, उसको भी होम चार्ज लिया जाता था। फिर इसके बाद से विदेशों से लिए गए सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण क्या होता है, पब्लिक डेट, इंडियन गवर्नमेंट ब्याज लेती है ना, जो कर्जा लेती है इंडियन गवर्नमेंट आपके नाम पर लेती है, वो कंट्री डूबेगी तो आपके आप जाओगे इसको, आप देखिए आप श्रीलंका देखिए और पाकिस्तान देखिए, ये पब्लिक डेट इतना इतना ज़्यादा है तो वैसा ही था वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने खुद के लिए पैसा रखा था, वो कंट्री के बेसिस पे ऑन द बिहाफ ऑफ कंट्री टू द मनी फ्रॉम द अदर कंट्री, तो उसको बोलते हैं पब्लिक डेट। तो पब्लिक डेट जो था उस पर क्या होगा, उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो कंट्री को देना पड़ेगा। आप पढ़ते हो इकोनॉमी में वो कहाँ कहाँ रुपये का जो रुपये खर्च होता है, एक रुपये से आप हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट आता है जिसमें देखते हो एक रुपये कहाँ कहाँ से आता है, किन किन सोर्सेज आता है और कहाँ जाता है, उसमें आता है बहुत बड़ा चंक जाता है, अपना बहुत बड़ा पैसा जाता है हमारा ब्याज पे चल रहा है, पब्लिक डेट पे जो ब्याज देते हैं उसमें जाता है ना, इसको बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो दीज आर पार्ट ऑफ द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसमें आप पैसा खर्च करते हो उससे कुछ मिलेगा नहीं, आपको टैक्स देना है क्योंकि आपने कर्ज लिया है लेकिन उस टैक्स से आपको उस चुकाने से आपको कुछ मिलेगा नहीं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है कि आपने कहीं पर कोई कैपिटल लिए पैसा लगाया है, मान लीजिए यहाँ पे एक आप एयरपोर्ट बना रहे हो तो वहाँ बहुत सारे कर्मचारी आएंगे, ठीक वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे, उन लोगों को आप सुविधाएं दोगे देखिए तो उस सुविधा से क्या होगा, आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जब यहाँ रखें कहीं भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो उससे पैसा जनरेट होता है, और जहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उससे पैसा नहीं जनरेट होता। जैसे कि आपने एक गाड़ी खरीदी चलाने के लिए ओला में, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और आपने एक कार खरीदी अपने चलने के लिए, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो आपको 2 रुपया देगा नहीं, उसकी सर्विसिंग वाले 4 रुपये लग जाएंगे, लेकिन ओला वाला आपको पैसा देगा। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, बिजनेस करते हैं बिजनेस माइंड सोचिए कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, आप जाके बढ़िया बढ़िया पनीर मिठाई दवाई खूब खा रहे हैं मजे ले रहे हैं, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो बात अलग है, वो भी जरूरी जीवन में और जरूरी है जीवन में थोड़ी है, तो ये आगे इसमें ये होगा, ये जो विदेशी पूंजी निवेश में दिया जाना ब्याज ये इसमें इंक्लूड नहीं था, ठीक क्योंकि भाई विदेशी पूंजी निवेश जो होता है उसको हम होम चार्जेस क्यों देंगे, उनको तो फिर डिविडेंड मिलता है, वो शेयर टाइप में होता था, जैसे आपको रेलवे के लिए वो पैसा लगाया जिस कंपनी में, तो जिस कंपनी में पैसा लगाया उसे प्रॉफिट मिलेगा तो उनको अपने आप पैसा मिल जाएगा, उसके लिए यहाँ पर वो पैसा अल्टीमेटली घूम फिर के कान हमारा एक पड़ना इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बट वो होम चार्जेस में इंक्लूड नहीं था, ज्यादातर तो यही लोगों से था ना। ऐसे तो बहुत टाइम मिल जाएगा, फास्ट फास्ट करता हूँ कुछ चीज़ छोड़ देता हूँ, ठीक है।
लेवल वाला था उन्होंने पढ़ी है। मैं बाजार कोच करने का प्रयास किया। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। दोनों का पहला सही है, दूसरा कितने सही है? सही है, एक ही इसका ऑप्शन होगा, दो नहीं होगा। उसके रीजन बता रहा हूँ, ये इसमें पहली बात देखिएगा पूछा क्या, 17th सेंचुरी क्या हो गया आपका 1600 के बाद, क्लास इधर चलिए तो 1600 के बाद की बात कर रहा है, ठीक है, 1600 समथिंग की बात कर रहा है। उस टाइम पे क्या था कि इंडियन प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे भाई, वो लोग क्यों आए थे इंडिया, क्योंकि इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड थी मार्केट में, तो यहाँ से लेके जाते थे और उसके बाद से ले जाके वहाँ पे बेचते थे यूरोप में, तो नए नए मार्केट मिलते थे उन लोगों को, वहाँ पर नया मार्केट में एक्सपेंड करेंगे और पैसे बेचेंगे। और उस टाइम पर जो हमारे भारतीय शासक थे वो इंडिया में क्यों फैक्ट्री खोलने देते थे, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड है, यहाँ अपना फैक्ट्री खोलिए और यहाँ से आप सामान ले जाइए, फैक्ट्री तैयार रहते, सबको फैक्ट्री में मैनुफैक्चरिंग नहीं होती थी ब्रिटिश टाइम में, यूरोपियन टाइम में फैक्ट्री में मैनुफैक्चरिंग नहीं होती थी, क्वेश्चन आ चुका है। उस टाइम पर सिर्फ वो स्टोर हाउस टाइप में था, तो इंडिया सामान ला कर रखते थे वहाँ पर, फिर वहाँ से बोट पे या जैसे भी करके इंडिया से बाहर भेजते थे, और वहाँ से जो सामान बाद में आने चालू हुए फिर इंडिया में आकर सेल करते थे। फैक्ट्री का शुरुआत में काम ये था। तो उस टाइम पे जो शासक थे वो तो खुश थे कि यार हमारे यहाँ पे नए नए लोग आ रहे हैं, नए बिजनेसमैन आ रहे हैं, आपके यहाँ नई इंडस्ट्री का डेवलप होगी तो आपकी इकोनॉमी को फायदा होगा, तो वो लोग कभी हतोत्साहित नहीं किए, ठीक। तो इसका बस ये होगा, हाँ ये क्वेश्चन बता दीजिए जो लोग पढ़े हैं, जमींदारी, राजवाड़ी और महलवाड़ी। परमानेंट बोलते हैं ना, अस्थाई के नाम ही से परमानेंट था।
ऑप्शंस गलत हैं, बट भावना को समझिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बॉम्बे प्लान, ये तो बहुत काफी आगे की चीज है, बट फिर भी किसी पता होता नहीं। बी है कि इस टाइम पे जैसे टाटा वालों के टाटा थे, बिरला थे, ये लोग मुंबई में बैठते हैं और एक वो करते हैं, प्लान बनाते हैं कैसे इकोनॉमी डेवलपमेंट किया जाए, इसी को बॉम्बे प्लान बोला जाता है। पूंजीवादी और व्यापारी वर्ग के विषय में जब लिखे तो सर बताइए, देखिए बहुत लंबा लंबा स्टेटमेंट है। थ्योरी है उसमें टोटल 14 या 16 स्टेज है, जिसमें से वो जो प्रोलेटेरियट
ताकि जो कैपिटलिस्ट क्लास उठेगा तो उसको फिट के दबा सके। तो वायलेंस उसकी थ्योरी में ही वायलेंस था, बट उस वायलेंस को और ज़्यादा प्रमोट किया माओ ने। माओ ने अपने ही लोगों को मारना चालू कर दिया, कई हजार लोग मारे। तभी तो आज के ताइवान जो है, ताइवान वहीं के लोग होते, बाहर के लोग नहीं है, ताइवानी जो है वहीं के लोग हैं, दे आर द चाइनीज सिटीजन। बट एक्चुअली क्या है, उनकी वैल्यूज अलग है, दे आर द डेमोक्रेटिक पीपल। वहाँ इलेक्शन कराते हैं, वहाँ पर जैसे चाहे वैसे सरकार बन सकती है। ऑन द अदर साइड चाइना में वन पार्टी रूल है, जो कहेंगे ऊपर के जीप भी वही चलेगा। तो वायलेंस बाद में आता है उसमें। तो उस टाइम कम्युनिस्ट भी ठीक थे, कैपिटलिस्ट भी ठीक थे, बट ऐसा नहीं था कैपिटलिस्ट दबाना चाह रहे थे कम्युनिस्ट को, अंग्रेज दबाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने समर्थन नहीं किया था। ये तीसरा गलत है। फर्स्ट गोल में सम्मेलन में फिक्की ने सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि गांधी जी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। गांधी जी कौन सारे में आए थे बताइए? स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन में अपोज क्यों किया था? स्वदेशी कब हुआ था? 1905 में। उसमें भी कपड़े बदलाए गए थे, याद है? तो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो किसके फेवर से, आप बताइए। कोई भी इंडस्ट्री खड़ी होती है बिना सरकार के सपोर्ट के नहीं खड़ी कर सकती। तो उस टाइम पे जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी वो सबके सब अंग्रेजों से कहीं कहीं उन लोगों का सपोर्ट था, उन लोगों का बैक था। तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि अंग्रेजों का नुकसान हो, या एटलीस्ट ये नहीं चाहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट का नुकसान हो। इवन आप पाओ के दादा भाई नौरोजी जो थे, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हू बिकम द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, लेबर पार्टी से गए थे दादा भाई नौरोजी। तो वो क्या थे, पारसी थे, इंडियन थे, बट वहाँ का हिस्सा बने थे। तो ऐसा तो होगा नहीं, वो कह रहे अंग्रेजों को मार डालो, कह ऐसा तो होगा नहीं। वो लोग थोड़े टॉलरेंट टाइप के थे। तो ये होता है कि पहले वाले उन्होंने अपोज किया था। इवन आपने ये कौन आते हैं, टैगोर जी भी स्वदेशी में अपोज किए थे, कपड़े जाने का जो करता ना आपको समझ में आ रहा है? लास्ट समझ में आ रहा है आपको? समझ नहीं आ रहा? बीपीएससी के लिए आप क्वेश्चन ये छोड़िए, जो पढ़ाया क्लास में समझ में आ रहा था वो समझ में आ रहा था ना? आप तो इसको गोली मारिए, आपको बाद में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइए। क्लास सबको समझ में आई है ना? लोग भी हैं जो वो जानते हैं, शेयर बता दे रहा हूँ। हिस्ट्री के साथ समस्या क्या है, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए रिसोर्सेज हर जगह अवेलेबल है, वैसे बीपीएससी की रिसोर्सेज आज में हर जगह अवेलेबल है। हिस्ट्री में क्या है ना कि आप कभी भी एक ही चीज़ को लेकर पढ़ा रहे हैं, उसमें चार फैक्ट और छुपे हुए किसी और किताब में निकल के आए, तो हो सकता है आपको हमेशा हर टॉपिक में चार फैक्ट मिल जाए। मैं गांधी जी पर कम से कम 40 फैक्ट नहीं ला सकता हूँ, मैं देखा हूँ दो तीन बुक में क्या उसका रेजल्ट क्या है। तो हिस्ट्री में ये होगा कि मैं कितना भी पढ़ाऊँगा फैक्ट आपके पास कम पड़ेगा। तो हिस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं वही मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्वेश्चन आपको जितने चाहे उतने लगाने हैं, मैं यहाँ लगाऊंगा, फिर आपको खुद लगाइए घटना चक्र या जो भी चीज़ें। बाकी जैसे कि आपका पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में क्या है, कॉन्सेप्ट है आपका। अगर आप छोड़ दीजिए, स्केड्यूल छोड़ दीजिए, पार्ट छोड़ दीजिए और कुछ आर्टिकल छोड़ दीजिए, वो रटने वाली चीज़ें होती है। बाकी पूरा पॉलिटी कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है ना? क्यों आपके दो तीन तरीके के आपके दिए गए हैं, वो दो तरीके के दिए गए हैं, आपका अमेंडमेंट दिया गया है, इमरजेंसी में कैसे पावर कम की गई, क्यों किया है, 42nd अमेंडमेंट क्यों हुआ, उसके पीछे सब कॉन्सेप्ट आया। लेकिन हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट मतलब कुछ ही है, जहाँ जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यही हैं। आपको अगर समझ में आ रहा है तो उसको रख लीजिए, अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। इकोनॉमी में भी कॉन्सेप्ट है, हाँ जी देखिए इसमें बता दीजिए, जल्दी बताइए कौन सही है। तीसरा सही है, सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, नहीं नहीं बस फर्स्ट सही है, बस फर्स्ट सही है, फर्स्ट। इसमें ये बताइए मैम, बनारस में कहाँ पर था? बनारस में रैयतवाड़ी थी, महलवाड़ी थी, महलवाड़ी कहाँ थी? बनारस कहाँ पर? बनारस मैम बिहार के बगल में है, बिहार। यहाँ पर जमींदारी थी। टू में क्या है, लेकिन स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी
अस्थाई बंदोबस्त था महलवारी यज्ञों में उत्तर पश्चिम प्रांत में कुछ भाग और बनारस के जिलों में सम्मिलित थे। इसमें क्या था संशोधन, जमींदारी में संशोधन का ऑप्शन कहाँ था? महलवारी में तो था, जमींदारी में था। मैम यहाँ रैयतवाड़ी क्षेत्र में भू राजस्व का समय समय पर संशोधन किया जाता था, लेकिन अस्थायी बंदोबस्त और महलवारी आपको उत्तर पश्चिम प्रांत के कुछ भाग और बनारस के जिले सम्मिलित थे, ये टाइपी गलत हुआ है। ठीक है मैं मान लेता हूँ, लेकिन इतनी बता देता हूँ, महलवाड़ी वाला ये गलत है, बनारस महलवाड़ी नहीं, बनारस में स्थाई बंदोबस्त था। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया क्या, होम चार्ज पढ़ा चुका जाना है किसी को, किसको जाना है यार, गर्ल्स लोग बैठी आप बहुत देर हो रहा है। अब चलिए आते ही है, इसमें जितना जितना रुकिएगा आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन थर्ड होगा सी। 1860 के टाइम में क्या होता है, अमेरिका में सिविल वॉर चालू होता है, पता है ना, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, वो कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका जो कंट्री है उसी के दो पार्ट में डिवीजन थे, पहली बार तो पहले डिवीजन थे नॉर्थ और साउथ, और उसके बाद फिर उसके छोटे छोटे फ्यूडल स्टेट थे, जितने स्टेट में स्टेट पाओगे ना वो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का अपना एक टेरिटरी था, उनमें वो लोग आपस में लड़ते थे, जो मोस्ट डिफरेंस था वो नॉर्थ और साउथ में, बाकी तो अलग अलग लड़ते ही थे सबने, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये था, यहाँ पाओगे जो अबोलिशन ऑफ स्लेवरी थी वो पहले नॉर्थ में होती है, साउथ में बाद में होती है। तो सिविल वॉर जो चलता है वहाँ पर अमेरिका में, तो अमेरिका में क्या कर सकती हो, वहाँ पर आप जो जितनी ब्लैक पॉपुलेशन पाओ तो क्या करने गई थी, वहाँ पर उनको ले जाया गया था वहाँ काम करने के लिए, तो वहाँ कॉटन की खेती होती थी, उन्होंने कपास की खेती, तो वहाँ पे यूज होते थे, और जब कॉटन जब वहाँ पर सिविल वॉर चालू हुआ तो सब डिस्ट्रॉय हो गया, आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपको वॉर में चाहिए आदमी, तो वहाँ पर प्रोडक्शन कम हो गया। अब ब्रिटेन में इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में डिमांड थी कॉटन की, इंडिया में कहाँ पैदा होता है, रैयत वाड़ी एरिया कहाँ था, महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात ये सब एरिया जो थे महाराष्ट्र और उधर कह दिया इधर रैयत में, तो इधर क्या था कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, उस कपास की खेती कॉटन की खेती के लिए रीढ़ जो था वो कौन प्रोड्यूस करता था, वहाँ के जो बड़े साहूकार थे, और उनको कौन प्रोड्यूस करता था, जो बड़े आपकी कंपनी की इंडस्ट्रीज, तो उस टाइम उन्होंने अपने दूध की दुकान खोल दी थी, भारत गुजरात में लोन लेना है लोग, वो लोन जाता था रैयत तक और वहाँ से प्रोडक्शन बढ़ता था, तो उस टाइम पर एकाएक रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास भी बहुत ज़्यादा आ गया था, सारे रैयत के पास बहुत पैसा था, फिर जब सिविल वॉर खत्म होता है तो सबका सब समेट लेते हैं। तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल नाम सुने आप लोग, कॉटन की वजह से उसका नाम रखा गया ब्लैक कॉटन सॉइल, और ब्लैक कॉटन सॉइल की खास बात क्या होती है, वो मिट्टी बनी कैसे ये बताइए, अब इसको बंद करते हैं, वो मिट्टी तो ये बताइए, इंडियन वेलकम वॉल्केनो है कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र वॉल्केनो था, बाकी जो पता है इंडिया के इंडिया कोई वॉल्केनो है अभी एक्टिव है या फिर एक्टिव है ना, अब मेन लैंड इंडिया कोई वॉल्केनो रहा है कभी, मेन लैंड इंडिया कोई वॉल्केनो था नहीं थी, वॉल्केनो के अलावा आया कहाँ, एनजीआर
ज्वालामुखी इंडिया के मेनलैंड में कभी खाया था? रीयूनियन से अलग नहीं हुआ था। एक्चुअली क्या था, गोंडवाना लैंड से जब अलग होता है, उन पर बता रहा हूँ, क्या पार्ट है थोड़ा सा, धैर्य रखिए थोड़ा सा। तो यहाँ से अलग हुआ, ये इंडिया का इंडियन प्लेट जा रही है ऐसे, तो रीयूनियन आइलैंड में वहाँ पुआव तैर रहा एक्टिव था, और ये हो गया रीयूनियन आइलैंड, मान लीजिए ये रीयूनियन आइलैंड, मतलब उसमें एक बॉल करो था, वहाँ पे बॉल करो था, इंडियन प्लेट ऐसे जाता है, उस पर चढ़ता है और ऐसे सरकता है, फिर ये क्या करता है, ये पेनिट्रेट करके लावा या फैलाता है, फिर इंडियन प्लेट आगे निकलती जाती है, निकलते निकलते निकलते, ये कई मिलियन ईयर का प्रोसेस है, एक दिन बात नहीं बोलना, ऐसे मत सोचना कल आ जाएगा, मिलियन ईयर प्रोसेस। यहाँ पर रीयूनियन आइलैंड जो था, जो आज के डेट में फ्रेंच फ्रांस की वो है बेस है वहाँ पर, तो वो वहाँ पे एक बॉल कैरो था, इंडियन प्लेट जाती है उसके ऊपर से चढ़ कर निकलती है, और उसके बाद से बॉल कैरो इरप्ट होकर इंडिया में फैलता है, इंडियन प्लेट फिर आ गया जाता है। ये इंडिया में लावा जो है, इंडिया में कभी भी सोचिएगा वो कॉटन फैल कर लावा कहाँ से आया, किस तरीके से, इंडिया के मेन लैंड इंडिया कोई बॉल कैरो नहीं है। वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ था काराकोरम रेंज में, जब इंडिया इंडियन प्लेट जो थी चाइनीज यूरेशियन प्लेट के अंदर जो घुसती है, इसीलिए काराकोरम मतलब कारा मतलब काला होता है, तो काराकोरम रेंज है, दैट इज द ओल्डेस्ट रेंज। ओके, नहीं आपकी बात सही है मैम, लेकिन इंडियन मेन लैंड में वॉल्केनो नहीं था जहाँ तक मुझे पता हो सकता है, बट एटलीस्ट। ओके थैंक यू ऑल। किसी कुछ पूछना वास्ता तो नहीं है, किसी कुछ समस्या वगैरह?